कितने अरमानों से हमने अपने बेटे की मंगनी, क्या खबर थी ये मासूम बचपन में ही यतीम हो जाएगी। कुदरत को यही मंजूर था बेगम, हमारे दोस्त एहसान मिर्जा ने अपनी नन्ही सी बच्ची आशी को इसलिए हमारे बेटे यूसुफ से मंसूब कराया था कि हम दोनों के बाद हम दोनों की दोस्ती भी जिंदा रहे। लेकिन ट्रेन के खौफनाक हादसे ने मुझसे मेरे दोस्त और उसकी बीवी दोनों को छीन लिया। बेचारी अपनी बच्ची की खुशियां भी ना देख पाए। और ये लाकेट भी तो आपके दोस्त मरहूम की निशानी है। मियां बीवी ने बड़े चाव से ये दो लॉकेट बनवाए थे, एक अपनी बच्ची आशी के गले में पहनाया था और दूसरा हमारे बेटे यूसुफ के गले में। यहाँ आओ बेटे, यहाँ। मैं कई दिनों से एक बात सोच रही थी। क्या? यही कि अब उस बच्चे का हमारे सिवा इस दुनिया में और कौन है। एहसान मिर्जा का भाई अकबर तो पहले दर्जे का जुआरी और शराबी है। तुम ठीक कहती हो बेगम, वो अपनी जायदाद का काफी हिस्सा बुरी आदतों में पड़कर बर्बाद कर चुका है, उसकी बीवी भी उससे नाला है। ऐसे आदमी के पास हमारी बहू का रहना मुझे तो हरगिज पसंद नहीं, क्यों ना हम आशी को अपने पास ले आए। मेरा दिल भी यही चाहता है बेगम कि अपनी इज्जत अपनी नजरों के सामने रहे। तो फिर आप आज ही अकबर को इत्तला भिजवा दें कि हम अपनी आशी को लेने आ रहे हैं। पांच हजार की एक डबल। एक दस हजार की डबल मेरी अकबर से। चाल चलो, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिलफ है बिलफ, तुम ही जीतोगे। दस हजार शो करो। देखिए चाल चलनी थी सेठ, पता नहीं चलेगा अकबर सेठ, कैश माल डालो। पर एतबार करो यार, हार गया तो सुबह ही दे दूंगा, जरा सी देर में तुम्हारे पास 15,000 रुपए हार चुका हूँ। जुए में एतबार उधार का नहीं होता सेठ। पहले कभी तुम्हारे पैसे मारे हैं अकबर सेठ ने? मैं सुबह ही ले लूंगा। ये 10 और 5 15 हजार रुपए तुम्हारी तरफ। कल माल तैयार रखना वरना खेल नहीं होगा। कल बहुत बड़ा खेल होना चाहिए सेठ अकबर, ये जुए का असूल है, हारो तो दाव बढ़ाते जाओ ताकि एक ही बार मोटी रकम जीत सको। मेरे पास अब दाव पर लगाने के लिए रही क्या गया है मुराद, ये मकान तक तो गिरवी रख दिया है। हौसला ना हारो सेठ, अभी तुम्हारे पास हार जीत के लिए और भी बहुत कुछ है। मेरे पास अब कुछ नहीं है मुराद। तुम्हारा बड़ा भाई एहसान मिर्जा लाखों रुपए की जायदाद छोड़ के मरा है, वो किस काम आई? वो एक बच्ची भी तो छोड़कर मरा है जो इस तमाम जायदाद की वारिस। अगर वो बच्ची इस दुनिया में ना रहे तो? क्या मतलब? दौलत और जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। मुराद मेरी बीवी उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है, वो शौकत को मेरे साथ सुलाती है और आशी को अपने सीने से लिपटा कर सोती है। तुम्हारी बीवी ने कौन सा उसको अपनी कोख से जन्म दिया, क्यों ना उसको उसके माँ बाप के पास अगले जहान पहुंचा दिया जाए। तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी है, लेकिन मुराद वो बच्ची भी तो मेरा खून है। खून से डरोगे तो शराब कहां से पियोगे? तुम एक दफा उसको किसी ना किसी तरह मेरे हवाले कर दो, फिर मैं जानू और मेरा काम। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं मौका तलाश करता हूं। ओके। Thank you.
मंगू, तुम पैसे देते वक्त हमेशा ही ऐसी बातें करते हो। जानते हो आजकल 1000 रुपए में भैंस की कट्टी नहीं मिलती। कट्टी? ये तो फिर इंसान की बच्ची है, जवान होकर 1000 रुपए कमाएगी। अरे किसे खबर है इसके जवान होने तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। बहरहाल 1500 से कम में सौदा नहीं होगा, लेनी है तो लो वरना हीरा मंडी में इसके कई ग्राहक मिल जाए। ओह तुम जिद बहुत करते हो, लो बस। अल्लाह मेरी बच्ची कहाँ गई? मैंने कहा जरा उठो तो सही। ओ, क्या है भाई? आंखें तो खोलो, अस्सी को कौन ले गया? चैन से सोने भी नहीं देती ये औरत। आशी कहाँ? आशी अरे जब मैं आया तो तुम्हारे साथ लेटी हुई थी। मेरे भाई की निशानी कौन ले गया? कौन ले गया मेरे भाई की निशानी? या अल्लाह मेरी आशी की खैर हो। होश में भी रहा करो, तुम तो हर वक्त नशे में डूबे रहते हो। ये देखो अस्पताल से इकबाल मिर्जा के मुंशी का तार आया है, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों मियां बीवी अस्पताल में पड़े हैं और उनका बेटा यूसुफ भी लापता है। यूसुफ लापता है? चलो ये भी अच्छा ही हुआ। क्या कह रहे हो, अच्छा हुआ? मेरा मतलब है जो होना था वो तो हो ही गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर हमें उनकी खैरियत मालूम करने तो जाना चाहिए। रजिया मुझे ज्यादा परेशान न करो, मैं पहले ही अपनी भतीजी आशी के गम से निडाल। मैं कहीं नहीं जा सकता, वो अच्छे हो जाएंगे तो खुद ही आ जाएंगे। तुम उन्हें खत लिख दो कि आशी खो गई है और हम सब उसके लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान। को यहाँ भेज गया। ओ चलो जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चलता ये मेरे लता के साथ ही पलता रहेगा। ओ लाए नहीं आपने बेटे को, कच्चे क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? बेगम मैंने उस इलाके का कोना कोना छान मारा जहाँ हादसा हुआ था, लेकिन लेकिन यूसुफ का कहीं पता नहीं चला, कहीं पता नहीं। तो क्या मेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा? बेगम 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 इस वक्त आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि ये दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। तबीयत ही खुश कर दी, कल मल्हार सारे डेरे वालों के सामने नाचेंगे और परसों परसों मल्हार इस शहर की गलियों और बाजारों में बाबुओं के सामने नाच कर अपनी तिरछी नजरिया से उन्हें घायल करेगी। नहीं नहीं बाबा, मैं बाजार में नहीं नाचूंगी, बाजार में लोगों के सामने मुझे शर्म आ रही है। मल्हार
तू बंजारन और बंजारे किसी के सामने नाचते हुए नहीं शर्माते। नाच गाकर रोटी कमाना हमारी रीत है, फिर इसमें शर्म कैसी? भाई अल्लाह रखे, क्या बात है मक्के? मुझे ये बता कि ये स्त्री कब तक चलेगी, ये नंबर कब तक लगे? जब तक हम इस घर में हैं बेटा, ये धोबी का घर है, यहाँ नंबर नहीं लगेंगे। स्त्री नहीं होगी तो क्या ठुमके होंगे, मुजरे होंगे? मैं तुमसे ये पूछता हूँ अल्लाह देते, क्या आखिर हम दोनों ने इस घर में जन्म क्यों लिया, हमारा मकसद क्या था? घर में पैदा होंगे वो घर में इसलिए पैदा हुए कि अब्बा अस्पताल का खर्चा नहीं दे सके। अजीब मुसीबत है भाई अल्लाह रखे, अब्बा ने हम पर पाबंदी लगा दी है, हम गिरफ्तार हो गए हैं, हम कैद में। इसी बात के तो वो शेर याद आ गया है कि कैद में हैं दो बुलबुलें और फयाज मुस्कुराए। बाहर ही फिरता रहता, कभी घर भी तो आए फिर औलाद बाहर जाए, और जब बाहर जाए फिर वापस आए तो लोगों से ये पूछता फिरता है क्या कि भाई तुमने मेरे दो आवारा गर्द बेटों को आते जाते तो नहीं देखा, कहीं आवारा गर्दी तो नहीं कर रहे वो? अगर कोई कह भी दे कि हाँ हमने देखा है तो फिर मार मार के हमारी इसी ठीका बेटा क्यों मत कराए तू? यानी कि जवान बेटों को मारना को ठीक बात है, अगर हमारे हाथ खुल जाए तो फिर? आप थोड़ी देर के लिए भौंकना बंद करें। एक और बात, अरे मैंने कहा भाई तुम भाई हो या ग्वालड़, ये क्या करो मेरी बात सुन। एक बात और, अगर गांव में कंजूसी का मुकाबला हो जाए तो खुदा की कसम अपना अब्बा फर्स्ट इनाम ले, पूरे पैसे जेब में रखता। यार मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे अब्बा हुजूर को कोई जीरा ब्लेड टक्कर जाए और उनकी जेबें काट के हमारे हवाले कर दो और हम ऐश। आमीन। एक बात और भैया, ये घर हमें नहीं छोड़ेगा जब तक हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे। एक शेर किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी नीयत तबीयत बदलने का बकल्लम खुद। क्या बकवास कर रहे हैं, ये शेर था क्या मकसद है? अर्ज ये है कि ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप पढ़े लिखे हैं, ना मैं शेर बोल सकता हूँ और ना आप समझ सकते हैं। चलिए आप नंबर लगाए, मैं स्त्री करते। चलिए यार, मुझे तो वो रात वाली फिल्म का ख्याल आ रहा है, वो कमहार का बेटा वो जो हीरो का पार्ट कर रहा था, यानी कितना जोशीला और इनकलाबी हीरो था, बाप के सारे गधे बेच कर भाग गया और किस कामयाबी तक पहुंचा, यानी बिकार भी उसे नहीं मारी, बड़ा भी बन गया। बहुत आदमी बहुत मानता ये धुआं कहां से उठता है, उठता है धुआं सा कहां से उठता है ये धुआं कहां से उठता? तू मैं डली, तू मैं डली। अरे घर के कपड़े फूंक के रख दिए, तुम वक्त हो बतला, ये दुनिया भर के नुकसान में कब तक तुम्हारे हाथों बर्दाश्त करता रहूं? बोलो अब्बा जान, जब तक हमारी जिंदगी है और जब तक आपको हमसे फायदे की तवक्को है। हम आपके लाडले बेटे हैं अब्बा जान। लाडले बेटा कमीना, चले जाओ इस घर से, निकल जाओ। हम निकल जाए इस घर से? निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर अपने घर से हम क्यों निकले? क्या कहा आपने अब्बा जान? ये मीठा फिक्रा एक बार फिर कहिए। जलीलो जी, कमीनो कमबख्तो, मैं कहता हूँ इस घर से चले जाओ, निकल जाओ अभी। भाई अल्लाह रखे, अगर अब्बा का इतना ही पक्का मजबूत और सिमिटेड इरादा है तो जाने से पहले गले तो मिल लो। अब्बा जान, क्या आप हमें वाकई निकाल रहे हैं? बिल्कुल, चले जाओ तुम, निकल जाओ मेरी आंखों से दूर। जाने से पहले गले तो मिल ले, एक बार तो मिल लो गले, बिछड़ हम चले। महिला तुम्हें मिलो। अब्बा जान, आपकी शफकत पिदरी सुसरी वंगू क्यों सो गई है? अब्बा जान, चलो भैया चले, लेकिन अब्बा मेरी एक बात याद रखना, ये जूते खा कर जा रहे हैं और जब वापस आएंगे बिरयानी खा कर आएंगे, बड़े आदमी बनकर आएंगे। और आपको बिरयानी का एक लुकमा भी नहीं, मुझे खारा पसंद। तुम दाना धोबी के कुत्ते हो अब्बा जान। मैं कहता हूँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ना बजान कहो है वो सामने देख, मेरा ख्याल है वहाँ खाना बदोशों का डेरा है।
ये खाना बदोशों का डेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, अन्नी हद बटेरा है। वहाँ बड़ा अंधेरा। तुझे अंधेरे से क्या फर्क पड़ता है? क्यों तो बटे गैस वर्गा तेरा मुंह मेरा। चलो सुन रखे, चलो वहाँ चले, आज वहाँ गाना हो रहा हो। चलो चले।
क्या बदतमीजी थी? अबे 100 का नोट उस लड़की को दे दी, तू क्या 500 रुपए का नोट देता हूँ? मैं ये दे, तू जानता है कि जिंदगी में पहली मर्तबा 100 का नोट देखा था मैंने। तो ये भी तू जानता है कि मैंने आज जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को 100 का नोट दिया है। अबे ओ खरल कुमार, मैं ये पूछता हूँ तुम्हारी वो लड़की क्या लगती है? अबे ओ बगले, ना ये लड़की तेरी कुछ लगती है फिलहाल, और ना मेरी कुछ लगती। कुछ तो लगती है, बस अच्छी लगती है। बस फिर आज से तुम्हारी और मेरी लगती पकती है। ये लड़की तुम्हारी भाभी बनने के काबिल है, जरा गौर से सोच। ये तो बहुत अच्छा शुगन है मल्हार। मैं तो पहले ही कहता था कि तेरा माथा बताता है कि तू सोने की चिड़िया है, दौलत में खेलेगी। कल से जब तू इस शहर में नाचेगी ना, तो दिल वाले तेरे ऊपर धन की बारिश कर देंगे। अरे तू इतनी उदास क्यों है? सोच रही हूँ बाबा, क्यों सजनबी ने मुझे 100 का नोट क्यों दिया? इसलिए कि तू उसे अच्छी लगी, और तू जिसे भी अच्छी लगेगी वो तुझे नोट देगा। शौकत बेटा कहाँ है? वो क्लब में मसरूफ है, आप खाना खाकर सो जाएं। सो कैसे, रात भर खांसी के दौरे पड़ते हैं। नींद भी तो नहीं आती बेटा, शौकत से कहना आकर मेरी एक बात सुन जाए। वो मसरूफ है बाबा, वो नहीं आ सकते, वैसे मैं कह दूंगा। या अल्लाह, अब तो मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे काफी सजा मिल चुकी है। उस बच्ची आशी का सबर मुझे ले डूबा, मेरी बीवी भी उसके कब्जे भर गई, और बेटे ने भी उससे आके फेर ली। अल्लाह तो करम कर दे वाला। ये खांसी के दौरे भी उस बुड्ढे को एन आइटम के वक्त पड़ते हैं, ना मरता है ना जान छोड़ता है। तुम जाओ, मैं खुद उससे मिल लूंगा। मैं पूछती हूँ, मेरा बेटा और बहू कब वापस आएंगे? बेगम तुम्हें बताया तो है कि वो इम्तिहान से फारूक होके जल्द ही वापस आने वाले हैं। आपने मुझसे पूछे बगैर उन्हें विलायत क्यों भेज दिया? अरे तुम भूल गई, तुमने खुद ही तो उन दोनों को हवाई जहाज पे सवार कराया था। अच्छा। तो मैं भूल गई, लेकिन अब वो कब वापस आएंगे? आप ऐसा करें, उन्हें तार भेजकर वापस बुलवा लें। अभी कल ही तो मैंने तुम्हें उन दोनों का खत दिखाया था, वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। बताइए मेरा बहू और बेटा कहाँ है? लो डॉक्टर साहब आ गए, लो इनसे पूछ लो। डॉक्टर साहब, यूसुफ और आशी लंदन में है ना? हाँ हाँ। इन्होंने खुद ही उन दोनों को हवाई जहाज में सवार कराया था ना? हाँ। अच्छा, लेकिन अब वो वापस कब आएंगे? बस जल्दी वापस आ जाएंगे, लो गोली खा लो। नहीं नहीं, ये गोली मैं नहीं खाऊंगी। तुम मुझे दवाइयां खिला खिला के मारना चाहते हो? मैं अपने बहू और बेटे से मिले बगैर मरना नहीं चाहती। वो दवा तो आप बाकायदगी से पिला रहे हैं ना मिर्जा साहब, जो मैंने आपको लिख कर दी थी? दवा तो किसी न किसी तरीके से पिला ही देता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अचानक हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और बिस्तर पर गिरकर तड़पने लगती हैं, यही रट लगाए रखती हैं कि मेरा बेटा और बहू कब आएंगे। अभी मैं तसल्लियों दवाओं के सहारे जिंदा नहीं रखा जा सकता मिर्जा साहब। मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था, किसी नौबियाता जोड़े का इंतजाम करें जो कि इनके बेटे और बहू की हैसियत से इनकी आंखों के सामने रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा नौब्याहता जोड़ा लाऊं कहां से जो अपनी खुशियां छोड़कर इस घर की दुख भरी फिजा में रहना पसंद करेगा? माकुल मुआवजे की बस, आपको ऐसी खिदमत पेश करने के लिए बहुत से जोड़े मिल जाएंगे। आप अखबार में इश्तिहार देकर तो देखिए मिर्जा साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी करके देख लूंगा। डार्लिंग, तुम्हारे आइटम का वक्त हो गया। शौकत,
मैं तुम्हारे प्यार की खातिर हर शाम इतने लोगों के सामने नाचती हूँ, वरना मेरा दिल तो ये चाहता है कि हर शाम तुम्हारी बाहों में गुजरे। वो वक्त भी अब ज्यादा दूर नहीं है, जरा मेरे क्लब का कारोबार ठीक हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। आओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अल्लाह रखे,
हम कब तक दरबदर फिरेंगे, कब तक मारे मारे फिरेंगे? मुझे तो यूं लगता है जैसे हम किसी फुटपाथ पर आवारा कुत्ते की तरह दम दौड़ देंगे। इसलिए तो कहता हूँ लदिते कि मरने से पहले मिर्जा चनंदीन की कटरी में जाकर कोई क्वार्टर किराया पर ले ले। लेकिन भैया मिर्जा चनंदीन की कटरी में जो तख्ती लगी हुई है जिसपे शर्त नंबर 1 है कि कंवारों का दाखला ममनू है, उसका क्या बनेगा? उसका भी हल हो जाएगा। क्या? सुबह का सूर्य तलु होना दे, तब ठीक हो जाएगा। तलु होने से पहले कोई बात सोच दोगे? सोच लिया है। बताओ। काने दरबार असीर मुल्क से लड़ता है साहब। अच्छा तो आपने वो मैंने कहा वो तख्ती पे लिखी हुई तमाम शर्तें जो है वो गौर से पढ़ ली है ना? पढ़ ली है मिर्जा साहब। तो फिर बता दिए आप शादी शुदा है या कवान है? शादी शुदा हूँ मिर्जा साहब, और 7 बच्चे भी हैं। क्या कहा, 7 बच्चे? उठिए चलती है जाते। मैंने कहा मैं आपको कवाचर दे दूंगा तो आपके साथ 7 दिन में मेरे कवाचर को तो कब्रिस्तान में ला देंगे। चलिए जाइए जाइए, आज ही खानदानी मंसूबा पर अमल कीजिए, जाइए। हाँ जी आप फरमाइए। शादी शुदा हूँ, निकाह नामा मौजूद है, एक बीवी है, बच्चे कोई भी नहीं हुजूर। राजपूत खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। किराया हर माह पेश की दूंगा। जाइए जाइए जाइए, और ये दीजिए चाबी सीधे क्वार्टर की, जब चाहिए वहाँ जाके आबाद हो जाइए। हाँ जाइए जाइए, 3 नंबर क्वार्टर, 3 नंबर क्वार्टर, 3 नंबर। कम बस जवानी आ रही है, जा रही है, फिर आ रही है, लेकिन कोई बेवा किराए पे क्वार्टर दे दे नहीं आ रही है। देखो बहन जी, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि यहाँ कुंवारों को मकान नहीं देते किराए पर। आप जरा मैंने जरा कुछ बात कीजिए ताकि मुझे मकान मिल जाए। आइए तो। जी हम शेखोपुरे से आए हैं, पंबे चुकियों में हमारा मकान सैलाब से रो रही है। हम बेसरों सामान है, हमारा सामान छप्पर स्टाम पर पड़ा हुआ है। हम आपका क्वार्टर मांगने आए। क्वार्टर? जी हाँ, अगर क्वार्टर नहीं तो आप अंडा दे दीजिए। जी आप पूरी बोतल ले लीजिए। जी आप भला समझे जी, मैं किराए पर मकान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा दुकान बोतलों की समझ के यहाँ है। जी तो ले लीजिए। आपकी बीवी है क्या? क्या वो बात कर रहे हैं जी आप? बीवी होगी आपकी, मेरी तो बहन है। ये आपकी बहन है? मैंने कहा ये शादी शुदा है। मैं अभी गुमशुदा हूँ। मिर्जा साहब मेरी बहन अभी कंवारी है बेचारी, इसके लिए कोई पर ढूंढने के लिए मुझे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ पर मिले कोई अच्छा पर हो, कोई मुफ्त पर ना हो, क्योंकि ये बिन माँ बाप की बच्ची है। अंकल की जरा कच्ची है मगर तबीयत की बहुत अच्छी है। अजी आजकल अच्छी बच्चे कहाँ मिलती है, इनके लिए रिश्ते वहाँ। मगर फिलहाल तो मिर्जा साहब इस जालिम समाज की हवस से इस मासूम बहन की जवानी बचाने के लिए कोई अच्छी जगह कोई तंबू कला तो होना चाहिए। मिर्जा साहब आप यकीन कीजिए, जब मैं गली में से गुजरती हूँ लोग आंखें मारते हैं, सीटी मारते हैं, और मैं आगे से लोड़े मारती और भैया आगे से तुलटिए मारती। मिर्जा साहब मैं तुलटिया क्यों ना मारू, आखिर जवान बहन का भाई भूपान भाई ले। मिर्जा साहब ये कंगनी खाता है खाजी, ये बताइए आपकी जात क्या है? मिर्जा साहब ये कमजात है और मैं बजात। शकीला बच्ची है ना, अकल की कच्ची है। तो मिर्जा साहब हमारे लिए हुक्म क्या है, हमें मकान मिलेगा? और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जात पात का कायल नहीं। होने भी चाहिए। बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, हम मुगल हैं। हम शाही किले गए थे, फाटक बंद था, लोग कहने लगे टिकट लो और अंदर जाओ। जी हाँ मुझे पैसे दे रही थी। अजी बेटी नूरू बात तो सुनिए,
तो हम मुगलों के लिए क्या हुक्म है? देखिए हमारे पास बहुत मकान थे। बहुत नहीं भाईजान, आप जरा मिर्जा साहब से बद कलाम हो, मैं इनसे हम कलाम होते हैं। आइए। तो मिर्जा साहब, मैं ये चाहता हूँ कि किराए की बात जल्दी तय हो जाए। शकीला, मुझे घूर घूर कर क्या देख रही हो? लो चाय पियो। हाँ, मैं ये देख रही हूँ तुम किस फैक्ट्री की बनी हुई हो, कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें एक बार देखने को तबीयत नहीं चाहती, दिल चाहता है तीन चार बार देखो, बल्कि देखने की भी नहीं, परखने की। हाय, और दिल में रखने की चीज हो। हायला, तुम तो बिल्कुल मर्दों जैसी बातें करती हो। बातें ही नहीं करती, मैं मर्द भी हूँ। क्या कहा? हाँ, कौन किसने, मैंने कब कौन कहने, मैं कुछ भी नहीं, मेरा मतलब ये है बन्नो कि मैं मर्द मार लड़की हूँ। तुम जैसी लड़कियां तो मेरी एक आंख नहीं बर्दाश्त कर सकती। इधर मैं एक आंख मारूं, टैक, उधर लड़की फंसा लूं। लेकिन मुझे फंसा कर क्या करोगी? किसी लड़के को फंसा? छीक 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 छीक, मेरे लिए तो तू भी लड़का है। हाय, क्या तारीफ करूं, ये बग्गू गोशे जैसे गाल, पके हुए लाल लाल लाल। हाय, मैं मर गई। इनमें तो बिजली का 11,000 वोल्ट चल रहा है। मैं कहती हूँ जमीन चल रही, आसमान चल रहा है, ये किसके सहारे जहाँ चल रहा है, बता सकती हो? पता नहीं। अच्छा, अब तुम बताओ, कभी तुमने किसी से इश्क किया है? हट, बेहया कहीं कि क्या सवाल कर दिया। हाँ, मैंने जिंदगी में एक लड़की से इश्क किया था, हर रोज लड़का बन के उससे मिलती थी। लो भला, कभी लड़की का भी लड़की से इश्क हुआ है? ये तो तुम्हें उस दिन पता चलेगा जब मैं लड़का बन के तुम्हारा पीछा करूंगी। मुझे ये बीमारी है, लेकिन वादा करो। क्या? हम एक दूसरे के हमराज रहेंगे, किसी के राज को फाश नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। खाओ कसम। मैं कसम खाती हूँ? भाई ऐसे नहीं, अपने अब्बा के सिरी पाए की कसम खाओ। मुझे अब्बा जान के सरे अजीज की कसम। बस बस। देखी नूरोलाल, तुम दोनों सहेलियां बन गई हो ना? हाँ जी, पक्की। मोहतरमा, आपको किसी किस्म के सामान की जरूरत हो तो मुझसे कह दीजिए। आपसे या? एक ही बात है, मेरा मतलब है मुझसे या बेटी नूरुलैन के। बेटी नूरुलैन, इन्हें 10 नंबर कवासर में पहुंचा दो। हमें मर गई, वहाँ 10 नंबर में 10 नंबर ये बदमाश तो नहीं रहता? अजी नहीं, खुदा ना खासा, उधर इनके भाई भी वहाँ है ना। चलो शिकिला, चलो चलो। क्या अंगड़ाई है, क्या अंगड़ाई है? अंगड़ाई मेरी है बहाना। और हर तो साफ कह दो ना कि रहेगा आना जाना। आपका सामान रहेगा है? बेसरो सामान, क्योंकि आगाह अपनी माँ से कोई बचन नहीं। सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। बेटी से शादी है? नहीं नहीं, अपनी तमाम दिलचस्पी मेरी तरफ मसरूफ कर दो। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए बिस्तर का इंतजाम करती हूँ। नूरुलैन मेरी जान, तुम्हें देखने के बाद ईमान से हमें किसी भी चीज की हाजत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए दिलों में चिल्ला वास्ता। जाओ, सामान और रोटी लेकर आओ, मैं जाती हूँ। मेरे भैया कुछ दिन इस घर के खाने का भी मजा चख ले। क्यों भैया ने? हाँ बहन से की लच्छी। जरूर जरूर। अरे डोंगे दे पुत्र, क्या घूर घूर के देख रहा है उसको? वो तेरी होने वाली भावज है, है? और कैसी? अबे अच्छा, ये बात तिरछी नजरों से ना देखो आज के दिलगीर को। अबे कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो चुंज को। मल्हार, अरे तू इतनी उदास क्यों है? तुझे तो आज खुश होना चाहिए, इतने सारे पैसे घुमा कर लाई है, और आज तो तेरा सरदार बाबा भी बड़ा खुश होगा। हाँ चमचम, बाबा तो बड़ा खुश है, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। जब मैं लोगों से नोट लेती थी तो कसम से मुझे बड़ी शर्म आई, लेकिन वो बाबू नहीं भूलता जिसने मुझे 100 का नोट दिया था। वो मुझे क्यों नहीं भूलता चमचम? तुझे उससे प्यार हो गया ना?
उसे भूल जा पगली। तू भी यही कहती है और बाबा भी यही कहता है कि तू उसे भूल जा। तेरा बाबा ठीक कहता है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। एक दफा मैंने भी एक शहरी बाबू से प्यार किया था। मैं डेरे वालों से छुप छुप कर उसे मिलती थी। एक दिन डेरे वालों ने उसे देख लिया। तो फिर क्या हुआ? सरदार ने उसे जान से मार दिया। अच्छा हुआ वो बाबू मुझे दोबारा मिलने के लिए नहीं आया। चमचम, ये धंधा क्या होता है? बाबा कहता था मैं तुझसे धंधा कराऊंगा। पहले मैं भी नहीं जानती थी, मगर अब जान गई। तू भी जान जाएगी जब तेरे जोबन का कोई खरीदार तेरे बाबा से बात करेगा। ठीक है ठीक, मैं ऐसा गंदा काम कभी भी नहीं करूंगी। ये कैसा बाबा है? पगली, ये तेरा बाप कहाँ है? तू भी तो मेरी तरह न जाने किस बाप की बेटी है। इन लोगों के लिए तो हम कठपुतलियाँ हैं जो जवानी में इनके इशारों पर नाचती हैं और बूढ़ी होकर डेरे वालों की रोटियां पकाती हैं। देख भाई, अल्लाह रखे, एक तेरा इश्क था कि तूने पहली मुलाकात में 100 रुपए का नोट दे दिया। हाँ, लेकिन वो परेशान था वो इश्क। बेवकूफ के बच्चे, ये देखे मेरा इश्क है कि घर बैठे बिठाए चार भाई आगे, बिस्तरा आ गया, सराहना आ गया, अभी खाने के लिए खाना आ जाएगा और मिर्जा चंदन की दुहाई है। वो जलील कमीना शोला तो मुझ पर आशिक हो गया है। खामोश, ताइफ ताइफ लड़की, तुम मियां चंदन दीन का नाम लेकर मेरे सामने मेरी गैरत को ललकार। भैया, अगर आपने पेट भर कर खाना खाना है, इस क्वार्टर में बेइज्जत रहना है, तो आपको बेगैरत बनना ही पड़ेगा। करना बाबू है, सोच समझ के करना बाबू, देखो मुझसे प्यार, सोच समझ के करना बाबू, देखो मुझसे प्यार। मन में गीत जगा देती हूँ, मन में गीत जगा देती हूँ, नाम मेरा मल्हार। सोच समझ के करना बाबू, देखो मुझसे प्यार, सोच समझ के करना बाबू। Thank you.
समझ के करना बाबू। जा रहे हैं बाबू, हमारी लड़कियां होटलों में नहीं नाचती, ये बात हमारी रीत के खिलाफ है। रीत रस्में ये सब बेकार किस्म की चीजें हैं सरदार मंगू। तुम्हारी लड़की गलियों और बाजारों में नाचकर जितनी रकम कई सालों में कमाती, उतनी ही रकम वो एक महीना हमारे क्लब में डांस करके कमाती। मगर मुझे डर लगता है, एक बार पहले भी एक बंजारन इसी तरह होटल में गई थी तो बड़ा खून खराबा हुआ था ना। हमारा क्लब ऐसा नहीं है सरदार मंगू, हम तुम्हें रहने के लिए आलीशान कमरा भी देंगे, डेकोरेटेड कमरा। ये एक महीने का एडवांस है सरदार मंगू, हर माह की पहली तारीख को तुम्हें इतनी ही रकम मजीद मिल जाया करेगी। तुम्हारी खातिर रखे लेता हूं। तो ठीक है, कल मल्हार को लेकर हमारे क्लब आ जाना, हम उसे अंग्रेजी डांस भी सिखा देंगे। ठीक है। अल्लाह देते कुछ भी हो, मैं उस खाना बदोश लड़की के पास जरूर जाऊंगा। भैया खुदा के लिए खाना बदोशों के पास मत जाना, वो तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। क्यों? मुझे पता लगा है, सामान उठाने के लिए उन्हें एक अदद खोते की जरूरत है। बकवास बंद करो, 100 रुपए का नोट निकालो। भाई अल्लाह रखे, 100 रुपए का नोट दरख्तों से नहीं जड़ता। मैं कोई चर्स नहीं बेचता, लांचे नहीं चलाता, और बहुत सी चीजें हैं चलाने वाली, मैं कुछ नहीं चलाता। कुछ नहीं जानता। मैं वो खाना बदोश लड़की के पास जरूर जाऊंगा, वो मेरी रग रग में समा चुके हैं, मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। अल्लाह रखे, अगर तूने उस बंजारन को मिलने के लिए सर पर कफन बांध ही लिया है तो जाओ, मैंने ये रकम तुम्हारे कफन दफन के लिए संभाल ली। अल्लाह देते, कफन की बात करके तू मुझे डराना चाहता है, तू चाहता है कि मैं उस लड़की से नहीं मिलूं। लेकिन याद रखो, मैं मजबूर हूं, इश्क पर जोर नहीं। उसकी आंखों में मैंने मोहब्बत का लव लेटर अंग्रेज से पढ़ा है। अगर देखो, जब सोनी औरत होकर कच्चे घर पे तर सकती है, तो क्या मैं मर्द होकर आठने की साइकिल किराए पर लेकर उसके पास नहीं जा सकता? भैया पैसे जाया करने की क्या जरूरत है, मुंह में लगाम लो और भाग जा। ठीक है, जा भाई, अल्लाह रखे। तेनु रब दिया रखा, तेनु रब दिया रखा, शाला खैर नाल जावे फिर मुड़ के नयावे, ओना दी सब्जी मुकामे अपनिया हड्डिया तोड़वा में, शाला तेनु तत्ती वा ना लगे। जाने वाले कब लौट के आया करते हैं, जाने वाली चीज का गम क्या करें। ये लीजिए बदन, आप ग्लोरी खाइए। मैं जरा सामने शकीला को मिलने जा रही हूँ। बेटी मुंबई से शकीला के लिए भी गुलदावरी लेती जा। जी मैंने ले ली है। अच्छा ना, मैंने कहा कभी कभी उसे यहाँ पे बुला लिया करो। जी मेरा मतलब है बगेली है, उदास हो जाती होगी। जरूर बुला, ये हुस्न भी क्या बना है, जालिम को जब से देखा है अंग अंग में जवानी फूटने लगी है। दवान हो यहाँ से नूर वेना बीते ना ही रहना। मेरा ख्याल है मेरा भाई अल्लाह रखा आ गया। आया रे ओ भैया आया रे, ला 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 रा 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 रे दे आया रे।
फरमाइए जी। वो शकीला कहाँ है? जी वो शकीला, हाँ वो अपने भाई शकील के साथ मिगलो रोड पे चिकन छोले खाने गई थी। और आपकी तारीफ? जी मेरी क्या तारीफ है, तारीफ के काबिल तो आप है। बहरहाल मुझे फरहाद कहते हैं, पहाड़ों से टकरे लेना और दूध की नहर निकालना मेरा मशगला है। कभी आपने गजरेला पकाना हो तो दूध मुझसे लीजिएगा। आइए तशरीफ लाइए। जी नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, मैं तो शकीला को मिलने आई थी। हाँ हाँ, शकीला आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। आपका नाम नूरुल ऐन है ना? जी। नूर, तो फिर इस अंधेरे दिल में उजाला कर दीजिए। मेरा मतलब है शकीला आ जाएगी, आप तशरीफ लाएं। जी नहीं, मैं चलती हूँ। वो आए तो उसे बता दीजिएगा कि मैं आई थी। अगर उसने पूछा आप कब तशरीफ लाएंगी फिर दोबारा, तो क्या जवाब दें? तो आप उन्हें कह दीजिएगा कि जब वो मुझे प्यार से पुकारेगी मैं चली आऊंगी। इसका मतलब है कि आपके सीने में प्यार भरा दिल मौजूद है। वो भी कोई दिल है जिसमें प्यार ना हो? ये शकीला को दे दीजिएगा। अच्छा, कितने पैसे? हाय नूरुल ऐन, लुट गया चैन, कैसे गुजरेगी रहन? तुझे मेरा ख्याल कैसे आ गया? रात को जब मैं यहाँ से वापस गया ना, तो सारी रात मुझे नींद नहीं आई। कभी तेरी याद में सताया और कभी अपनी मंजी के जालम खटमलों ने। बड़े पसलेटे बदले अगर अपना टेढ़ खुरुकता हुआ तुम्हारे पास पहुँचा। तेरा मेरा मिलाप नहीं हो सकता। क्यों? मेरा बाबा बड़ा जालिम है। देखो ना मल्हार, जहाँ दो दिल प्यार करने वाले मिलते हैं वहाँ क्लैश जरूर होता है, वहाँ विलन जरूर होते हैं। जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, लेकिन इन चीजों से निपटना ही पड़ता है। अब इस बस्ती में जितने भी भेड़िया हूँ मुझे कोई परवाह नहीं, मैं किससे नहीं रहता, मैं तुझे मिलने जरूर आऊंगा। मगर कल रात तो तुझे मैं नहीं मिल सकूंगी। क्यों क्यों क्यों? मैं शहर जा रही हूँ बाबा के साथ। शॉपिंग करने? नहीं, वहाँ होटल में नौचा करूंगी। होटल में? मैं तुझे होटल में मिलने आया करूँगा। अच्छा ठीक है, तू जा, अगर तेरे वालों ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अच्छा गजब तो तू कर रही है। खुदा हाफिज। ए सुन, तुम तेरा नाम क्या है? मेरा नाम, पहले मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ते वाला था, लेकिन जब हांगकांग में था तो उस वक्त मेरा नाम किंग कॉन्ग था। जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरा नाम मिस्टर जैकी था, और जब इंग्लैंड से वापस आया अपने तोबे घाट पे तो मेरे बाप ने मेरा नाम अल्लाह रखा रख दिया था। अल्लाह रखे, तुझे खुश रखे अल्लाह। तुझे भी खुश रखेगा, और तो जिसे अल्लाह रखा रखे उसे कौन चखे। आज तुझे पैसे देने पड़ेंगे और मैं पैसे लेकर जाऊंगा। निकाल 100 का पापा, मैंने अपनी महबूबा से क्लब जाना। अबे बेलचे, अगर जाना है तो 54 ले जा, 58 ले जा, जो तू फी फेरा लेता है 100 रुपए का नोट मांगता है, तेरा बाप कस्तूरी बेचता है। अबे ओ बगले के बच्चे, मुझे पुकारों से खेलने वाला बच्चा समझ रहा है? मुझे 54 पे टका रहा है, 100 का पापा दे। मैंने वहां डिनर भी करना है। देख अपनी औकात, मेरा तेरा डिनर है चिकन छोले, 5 चिकन छोले खा के डकार मारना, अल्हम्दुलिल्लाह करना, और अंदर जाके कह देना कि मैं डिनर खा के आया हूँ। थैंक यू। जरा फिर कहना, फिर कहना, फिर ना कहना मेरे नालों पीने के बारे में। कौन कौन है? हमारा शकील मियां मर गए। तेरा होने वाला शहर आ गया। तेरा भी तो होने वाला बनवाया है, तुम ऐसे करो इसे बातों में लगाओ, मैं जरा अपनी जींस बदल लूं। आइए आइए मिर्जा साहब। अरे बहन शकीला। अरे मिर्जा साहब आए, बाहर तो आप। मिर्जा जी, मैं नहीं आपसे बोलती, आप मुझे ये बताती नहीं कि मनी ऑर्डर कब आएगा, बस मुझे टाल मटोल करते, आप मुझे बताती नहीं है। भाई शकीला, ये क्या जल्दी है तुम्हें, हर वक्त शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। भाई कल परसों मनी ऑर्डर आ जाएगा, तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी। मैं नहीं आज बोल दिया, मुझे डांटते रहते हैं। आज मेरी अम्मी जिंदा होती तो आपके मुंह पर स्लीपर मारती, स्लीपर टूट गया था, आपके मुंह पर कोई चीप ना पड़ता। आपको जितने बातों की जरूरत है मुझसे ले लीजिए, मुझसे। अरे क्या हम आपकी नहीं मिर्जा साहब, मैं आपकी ये तकलीफ नहीं दूंगी, ये जहमत नहीं दूंगी। अभी अभी तकलीफ नहीं, मेरे लिए काफी राहत है। अच्छा मिर्जा साहब, अगर आपको राहत मिलती है ना
तो मैं अपनी खुदारी का खून कर लेता हूँ। इस बदतमीज को आप 500 रुपए शॉपिंग के लिए दे दीजिए, वरना टाट खाएगी मुझसे। आप बकवास कर रहे भाईजान, अगर मिर्जा साहब को राहत होती तो 1000 रुपए क्यों नहीं लेते? आपको क्या चाहिए? 1000 रुपए का करना चाहे तो मेरी दो साड़ियां आएंगे। पैसे छीनता भाईजान बहुत खटील, मैं एक पैसा नहीं दूंगी, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी आपको, चाहिए जो मर्जी मेरा कर ली। आप रुकिए, आप रुकिए, मिर्जा साहब बहुत खर्चीली है, करूं तो क्या करूं? हर वक्त 500, 1000, 2000 हर वक्त ही शॉपिंग करती रहती हूँ और सहेलियों को साड़ियाँ बांधती हूँ। आगे मैं किस पे हूँ? डंडा हूँ। वो तो ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, मैं मिर्जा साहब, आप बड़े बदतमीज हैं, मुझे अब याद आया है, मिर्जा साहब खड़े हैं के लिए कुछ लाने खाने के लिए, जाइए जाके आइसक्रीम लेके आइए, कुल्फा लेके आइए, आप बबलक पिएंगे। अरे घर में तेरी दाढ़ी काफी है भाई। यही तो मैं इसे पूछने वाला था। अच्छा मिर्जा साहब आप बैठी तस्वीर रखिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा वंडा लिया, एक 50 रुपए होंगे आपके लिए। जहाँ वो मेरे पास टूटे हुए। मिर्जा साहब आप बिल्कुल भोले हैं, आप बिल्कुल कुगु घोड़े हैं, आप समझे नहीं जी। मैंने तन्हाई के लिए भाई को यहाँ से रफू चक्कर किया है। अरे आप तो बहुत जहीन है मिर्जा साहब, थाम लीजिए ये कलाई। आप तो बहुत शर्मीले हैं, डर से घबराइए नहीं, ईमान से ये कलाई है, कोई स्टेन गम तो नहीं, पकड़ लीजिए। मेरा ख्याल है आप समाज से डरते हैं। आजी कसम है मुझे जवानी की कि हम किसी से नहीं डरते। तो फिर वादा कीजिए मिर्जा साहब, आप शादी हमारे साथ करेंगे? अरे हम कसम खाते हैं ऐसे नहीं जैसे ग्लोरी खा रहे हैं, नूरुल ऐन की कसम खाइए। अभी नूरुल ऐन की कसम, हम शादी करेंगे तो आप उसी कसम के, वरना हम मर जाएंगे। ऐसा मत कहिए, हमने तो आपको अपना सुहाग मान लिया है। मगर ये पर्दा कैसा? ये इसलिए मिर्जा साहब कि सुहाग वाली रात को कहीं इस चेहरे का नूर ना उड़ जाए। अच्छा तो हम शकील मियां से बात करें? नहीं मिर्जा साहब, पहले आप नूरुल ऐन का कंधों पर से बोझ उतार दीजिए, क्योंकि लड़की भारी है, कहीं आपको कुब्बा ना कर दे। नहीं बचा फरमाया, लेकिन इतनी जल्दी रिश्ता कैसे दस्तियाब हो? रिश्ता मिर्जा साहब, इस गली में लड़का एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, मैंने लड़के का बंदोबस्त कर लिया है। कौन है वो? मेरे भाई शकील का दोस्त है फरहाद, बहुत हैंडसम लड़का है, बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़ा कारोबार फैला हुआ है। अब तो सभी कुछ आप ही को करना है। अरे मर गई, बेटी आ गई आपकी, जरा फासला। आओ बेटी, जरा अकेली है, इनका ख्याल रखने में चलता हूँ। चल बेबरबत कहेंगी, मैंने देर से बोल दी, कहाँ थी इतनी देर से? मैं तो कल शाम भी आई थी, तुम्हें सैर करने गई हुई थी। अच्छा ये बताओ वो लड़का कौन था? अच्छा लड़का, उसका नाम है फरहाद, मेरा कजन है। ईमान से तुम यकीन करो नूरुलैन, वो तुम पर मर मिटा है। वो तेशा खरीदने के लिए गया है, कहता था नूरुलैन मेरी शीरी है, और अगर उसने मेरी मोहब्बत से इनकार कर दिया तो मैं तेशा सर पे मार के जान दे दूंगा। अल्लाह ना करे, इतना दुख हुआ है। ये लो झुमके, जख्मी जिगर की पहली निशानी जो पहली नजर में तुमने लगाया था। अब कब आएगा? आएगा नहीं, कल मैं तुम्हें मिलाऊंगी और खुद चली जाऊंगी। मुझे शर्म आती है ना, इसलिए कि भाई शकील का दोस्त है ना वो। यकीन करो नूरुलैन, मेरी उस पर नजर थी, लेकिन मेरी नजर तो तिलक गई है, तुम्हारी जम गई है। जाओ क्या याद करो कि ऐश करो। इधर भी शकीला, आज तो तुमने सहेली होने का हक अदा कर दिया। पगली कहेंगी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैं पूछती हूँ मल्हार तो कलम में लाने का क्या मकसद है? क्या मुझसे दिल भर चुका है? तुम तो खामखा बिगड़ रही हो डार्लिंग, क्या तमाम उम्र क्लब डांसर रहने का इरादा है? मैंने तुम्हें अपनी बेगम बनाने का वादा किया, मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। जब तुम मेरी बेगम बनोगी तो ये क्लब बंद तो नहीं हो जाएगा? फिर जरा सोचो उसके बाद कौन नाचेगा। अच्छा तो ये बात थी, फिर तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया डाली? तुम सुनती कब हो?
अपनी कहे जा रही हो। फिर तो मैं उसे हर आइटम खुद सिखाऊंगी। तो ये बात थी। आज उसका पहला आइटम, कल से वो तुम्हारी शागिर्द। तो नहीं आ रहा बाबू, जान की खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा। ये क्लब है, यहाँ हर एक आदमी आ जाता है। यहाँ शरीफ लोग आ सकते हैं, आवारा और बदमाश नहीं। तो फिर तुम कैसे आए हो? कल सुना नई रोशनी के किरले। क्या हो? ए लाल टोपी वाले,
है मेरे कल्लन कोवाल? नूरुलैन कहाँ है? नूरुलैन कहाँ है? अरे बड़ी शरीर हो, बड़ी आवारा हो, वो तो अंदर है, हम हाजिर हो जाए। ना ना ना, ची 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 ची, दूर के ढोल सुहाने, आप हाजिर ना हो, मैं आपकी हाजिर लगा दूंगी। अब बेटी नूरुलैन आइए बजान। मैंने कहा दिल बहुत बेकरार है मिलने के लिए। दिल के लिए सेब का मुरब्बा बहुत मुफीद है। नूरुलैन जरा मेरे घर के लिए आओ, बात दरअसल ये है मैं खुद आ जाती, जरा चूल्हे पे हंडिया चढ़ी हुई है, कहीं उसकी कमर न जल जाए। जाओ बेटी इसकी बात सुनो और जरा इसका ख्याल रखना। जालिम ने क्या सीधी आवाज पाई है, अभी तक कानों में रस खुल रहा है, आवाज का जालिम है कि हर तान है दीपक दीपक। शिकिला शिकिला कौन? मुझे तो जानू। शिकिला फरहाद कहाँ है? हाँ उन्होंने जो दूध की नहर निकाली थी ना, उसमें से चार पांच बल्टोए दूध के निकाल कर वो रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करने के लिए गए। कब तक आएंगे? ऐसा करो तुम उन्हें प्यार से पुकारो, फरहाद जान चंदा जल्दी आओ, जलवा दिखाओ। फरहाद जान चंदा जल्दी आओ, जलवा दिखाओ। हाजिर। तुम? आपको कोई एतराज? जी वो मेरा मतलब है कि शकीला कहाँ है? हाँ शकीला मेरे अंदर समाई हुई है, लेकिन तुम्हारे अब्बा से घबराई हुई है। नूरुलैन मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपनी जिंस तक बदल डाली। क्या मतलब? मतलब वो शकीला थी ना। हाँ। वो मैं ही था। क्या कहा? शकीला तुम? खुदा के लिए ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, इस रात को रात रहने दो। देख लो तुमने मेरी हमराज बनने का वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वक्त पर तुम्हें आना पड़ेगा और जो गरीब पकाए वो खाना पड़ेगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? फरहाद अगर तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो तो मैं भी तुमसे पीछे नहीं रहूंगी। थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे फरहाद और शकीला दोनों उम्र भर के लिए मिल गए। दोनों नहीं तीनों। तीसरा कौन है? मिस्टर अल्लादित्ता। वो कहाँ है? वो भी मैं। वो भी तुम हो? हाँ बस यूँ समझ लो कि मैं अल्लादित्ता और तुम मिस्टर अल्लादित्ती। देखो तुम्हारे प्यार की खातिर पहले मैं शकीला बनी, फिर फरहाद बना, उसके बाद फिर मैं अल्लादित्ता बन गया। लेकिन फरहाद ये बात अब्बा जान से कैसे छुपी रहेगी? जब वो मुझसे पूछेंगे कि शकीला कहाँ है तो भला मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो हाँ। जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करो। जब तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो जाती, शकीला बाकायदगी से तुम्हारे अब्बा को मिलेगी और तुम बाकायदगी से अल्लादित्ते को। दो मिनट के लिए मुझे मर्द नहीं बनने देता। ऐसे करो तुम कुंडी खोलो, मैं जरा लिपस्टिक लगा लूं। अच्छा। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? मैं जरा ड्रेस बदल रही थी। अच्छा अच्छा नूरुलैन तुम जाओ, दूध पीनो ठंडा हो जाएगा। आप चलिए मैं भी आती हूँ। नहीं तुम जाओ, मुझे शकीला से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ नूरुलैन मुझे याद आया, तुम्हारे रिश्ते की बात तय करनी है ना, जाओ चंदा जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जमाना क्या सोचेगा शकीला, क्या सोचेगा जमाना? मिर्जा चंदन के प्यार में इतनी दीवानी ना बन जाओ, सियानी बनो सियानी। इतना हसीन तरीन इरादा क्यों बदल दिया? इसलिए मिर्जा साहब इरादा मुतजलजल था, पका हुआ नहीं था। अभी वे कब तक पकेगा? बस मिर्जा साहब एक दो गर्द देने की जरूरत है। अच्छा अच्छा खुदा रहा आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, सीने के ऊपर पत्थर रख लीजिए बस। कल भाई शकील फरहाद को लेकर आपके घर आएंगे और आप ऐसा कीजिएगा अपनी बेटी नूरुलैन का गुट फरहाद के हाथ में थमा दीजिएगा और उसके बाद चाट मंगनी पाट भैया। फिर मिर्जा साहब और फिर आप दुनिया देखेगी जब चांद निकलेगा, आपकी दहकती हुई आगोश और मेरी सुलगती हुई जवानी। मिर्जा
मेरा ख्याल है भाई जान आगे हैं। अच्छा, तो खुदारा अपने दिल में छुपा लीजिए। मिर्जा साहब, ये मेरा दिल है, कुकड़ों का खुड्डा नहीं। मैं क्या करूं? ऐसा करूं, अंदर जाकर किसी खुट में मर जाओ। जल्दी प्लीज। उफ, मैं मर गई। अबे क्या तू हर वक्त जागू? खामोश। मिर्जा चन्नन को मैंने चक्कर दिया है, वो मुझ पर बिल्कुल लट्टू हो गया है। चुप रहो, कान में बात सुनो। शकीला, दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों हुई? अंदर कौन था? किसकी आवाज आ रही थी? भाईजान, मुझे आपकी कसम है, मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। मेरा कैरेक्टर ठीक है, मेरा पाक दामन है। तेरा कैरेक्टर लूज हो चुका है। तुम्हारे दामन में एक चिंगारी सुलग रही है। महसूस होता के अंदर कोई है? ईमान से भैया, अंदर कोई चिरिंद परिंद हैवान खोता भी लसूर कुछ भी नहीं। आप यकीन? मैं ढूंढूंगा, हट जाओ, मेरा रास्ता मत रोको, अंदर जरूर। भैया, खुदा का वास्ता, मैं भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो भैया। कहाँ है वो? आज जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यही कहीं बैठा हुआ। भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो आपको पहले कह रही हूँ, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर आप भी शक है, तो बेशक खुला नाप के देख ले कि यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है, मगर सच सच बता, तू किससे बातें कर रही थी? कौन था? सब जगह सोए हम जागे, तारों से करे बातें चांदनी रातें। बकवास बंद कर, बंद कर, बकवास बंद कर। जल्दी बता, तू किससे बातें कर रही थी? कौन था? बताओ भैया। हाँ, जान की अमान पाओ तो कुछ हक कर। तूने जान की अमान पाई? बात यह है कि मिर्जा चंदन के प्यार में मैं गिरफ्तार हो गई। क्या कहा? उसके प्यार में तू गिरफ्तार हो गई है? मगर शकीला, मिर्जा तो बूढ़ा है, उसके तो बाल सफेद है। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, मैं उसके सर में स्वर डाल के बाल काले कर लूंगी। मगर उसके मुंह में तो चुरुनिया पड़ी हुई है। तो क्या फर्क पड़ता है, मैं स्त्री करके ठीक कर लूंगी। वो बहुत ज़ईफ है शकीला। कोई नहीं भैया, उसका दिल तो जवान है ना। दिल जवान है? तुझे कैसे पता चला कि उसका दिल जवान है? क्या तो उसे मिलती रही है? मैं उसे कनखियों से देखती रही हूँ। कनखियों से देखती रही हो? तो क्या वो भी तुझे देखता है? नहीं भैया, वो मुझे ऐसे देखता है, ऐनक लगाकर प्यार से, जैसे बट कसाई गां को देखता है। इसका मतलब है तू उस पे लट्टू और वो तुझ पे लट्टू, यही मतलब है? तो उसे शादी करना चाहती है? लेकिन सुन शकीला, जब तक मिर्जा नूरुल ऐन की शादी नहीं कर लेता, ना तू मुझसे कोई बात कर और ना वो, अब मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे पिताजी, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? शकीला, इश्क ने सब पलटियां दिखाओ। मैं कमर सीधी करती हूँ। माशाल्लाह, आपकी कब्र में तो लचक है, और वो लचक है जो जवानों की कब्र में हुआ करती है। जवानी? आज तो नानी याद आ गई। घबराइए नहीं मिर्जा जी, मैं आपके लिए दूध फटकड़ी लेके आती हूँ। मैं बहुत जल्द नूरुल ऐन की शादी कर दूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अब भी नहीं करेंगे आप? आए मर गए। एदा प्यो भी उन शादी करेगा। तो सरदार, मल्हार के लिए इससे ज्यादा रकम तुम्हें और कोई नहीं दे सकेगा। बेहतर यह है कि उसका मेरे साथ सौदा कर लो। पर मल्हार अभी मानेगी नहीं, उसे मनाना पड़ेगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लो पूरे 5,000 रुपए। 5,000? हाँ, और आज रात उसे कमरे में अकेला छोड़कर इधर उधर हो जाना।
मेरी जान, मेरी तमन्ना, आंखें तो खोलो। आज आज हमें अपने दिल की प्यास बुझा लेने दो। आज आ जाओ मेरे सीने से लग जाओ। तुम यहाँ क्या करो? और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बकवास बंद करो, ये बताओ मल्हार कहाँ है? वो तुम्हारी हवस भरी नजरों से बहुत दूर जा चुकी है। बेवफा, तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। गुल्लू, तुम एक क्लब डांसर हो, अपनी औकात मत भूलो वरना धक्के मार के क्लब से निकाल दूंगा। मैं अभी अभी सरदार मंगू से भी निपट लूंगा। सरदार मंगू, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम इतनी आसानी से मेरी रकम हजम नहीं कर सकते। बताओ मल्हार कहाँ है? सौकत बाबू, मेरा नाम सरदार मंगू है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। बता, तूने मल्हार को कहाँ छुपा रखा है? दलील बुड्ढे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कमरे में मल्हार की बजाय गुर्रो सोरे। मैं तुम शहरी बाबुओं को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम तो अपनी जवान का भी ख्याल नहीं रखते। मैं अपनी लड़की को होटल में लाने से इसीलिए इनकार कर रहा था। बता मल्हार कहाँ है? पास बन जाओ। तुम सीधी तरह मेरे रुपए वापस कर दो। तू मुझे बुढ़ा और कमजोर समझता है? मैं बंजारा हूँ, बंजारा। बाबा को कत्ल कर दिया मल्हार, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, मैंने बाबा को कत्ल नहीं किया। जल्दी बताओ मेरे बाबा को किसने कत्ल किया? झूठ मत बोलो मल्हार, ये कत्ल तुमने किया है। लेकिन लेकिन तुम फिक्र ना करो, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो ये राज मैं अपने सीने में दफन कर लूंगा और तुम्हारे बाबा की लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा जहाँ किसी को कान और कान खबर नहीं। लेकिन मैंने अपने बाबा को कत्ल नहीं किया। शोर मचाओगी तो अपना ही नुकसान करोगी। मेरी बाहों के सिवा तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह नहीं, बाहर पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। नहीं जाऊंगी। नौ और ये दस, पूरे दस कपड़े हैं बड़े मियाँ। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। मन जी सरकार, क्या अब इस बड़े मियाँ को रख लिया है तुमने? सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। सरकार वो पुराना धोबी कहीं मां से नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आला बस को रख लिया। अच्छा अच्छा, बड़े मियाँ तुम रहते कहाँ हो? सरकार मैं रहता तो बहुत दूर हूँ, मगर आप फिक्र न करें, आपको घर बैठे वादे और वक्त पर कपड़े मिलते रहेंगे। तुम्हारा कोई जवान बेटा नहीं जो इस बुढ़ापे में इतनी दूर खुद ही कपड़े लेने चले आते? ऐसा न कहें सरकार, मेरे दो जवान बेटे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। क्या वो तुम्हारा हाथ नहीं बटाते? सरकार वो तो मुद्दत हुई घर से कारोबार करने के लिए चले गए थे और 500 रुपए भी ले गए थे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला, ना कोई खत ना कोई खबर।
जाते वक्त कह गए थे कि हम कुछ पता नहीं क्या कुछ बनने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। उमन जी मैं बताता हूं। खुदा जाने वो कुछ बने भी हैं या वैसे के वैसे ही हैं। मिर्जा साहब आपकी एक कुड़ कुड़ सलामत रहे। आप एक बार इस नेक फर्जंद को अपनी फर्जंदी में कबूल फरमा लीजिएगा, फिर देखिएगा ये फर्जंदे इब्लीस आपकी कितनी खिदमत करता है। आपका भाई मगर इनके वालिद जो है जी वो क्या करते थे? वो जी कपड़े धोते। इनका मतलब है कि इनके वालिद बहुत साफ सुथरे रहा करते थे, क्योंकि फॉरेन कंट्री के रहने वाले थे ना। रहा मेरा कारोबार कराची से लेके शिलांग तक और शिलांग से लेके हांगकांग तक कारोबार फैला हुआ था। लेकिन आप पूछिए कि अनामीर बन के आ गए हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं यहाँ कारोबार किया जाए। ये अपना भाटी गेट में टिक्कों की दुकान खोलेंगे, दूसरा कारोबार लक्ष्मी चौक मिगलोर रोड पे दाल चावल की ब्रांचेस खोलेंगे। कैसा है हम कैसे के बात मान लेते हैं और अपना नूरुल्लाह का निकाह इनसे परवा देते हैं और रुख से चक गए यहीं रहे। मेरा अपना घर है लाहौर में पायल छनकाऊं मुझे होश नहीं है तन मन का मुझे होश नहीं है तन मन का तूने तेरी नजर का वो मादा है तेरे प्यार में होके दीवाना तेरे प्यार में होके दीवाना बिन रात बजाऊं एक तारा है लाहौर में पायल छनका नहीं है तन मन का एक तो तेरे गाल गुलाबी उस पे तिल ये काला चांद के हाले को शर्माए तेरे कान का बाला तो तेरे काल गुलाबी उस पे तिल ये काला चांद के हाले को शर्माए तेरे कान कपाला तेरे कान कपाला तेरे कान कपाला आंचल में यूं मुखड़ा चमके आंचल में यूं मुखड़ा चमके जैसे आसमान पे होता गावे लाहौर में पायल छनका पे दिल दे देंगे सारे पिशावर वाले
चाल पे दिल दे देंगे सारे पेशावर वाले वलवतपुर। तुमने अपनी खुरियन यहाँ तो कोई बात भाई अल्लाह रखे तेरे मुंह पे काबली पूंड तो नहीं लड़ा क्यों? ये सूझा हुआ क्यों? सूझा हुआ इसलिए है कि तुम्हारी शादी तो नूरुलैन से हो गई है और मेरी अभी बात भी शुरू नहीं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर ये है कि जैसे मैंने तुम्हारा साथ तुम्हारे इश्क में दिया है वैसे तुम भी साथ दो, यानी कि सौदा नकद पर नकदी है साथ दे साथ ले गल मुख। हाँ बात तो ठीक है, मकसद ये है भाई अल्लाह रखे इस काम में तो मेरी जान भी तेरे लिए हाजिर है। भाई अल्लाह देते मुझे डायलॉग की नहीं एक्शन की जरूरत है, मार धार से लबरी शाकार चाहता हूँ। चाहते क्या हाँ बच्चे? मैं ये चाहता हूँ कि आज रात मैं मल्हार के पास क्लब में जाना चाहता हूँ और तुझे मेरे साथ चलना होगा। क्लब में? हाँ जाना। हाँ ऐसा करे भाई एक खत लिख के सरहाना के नीचे रख देते, उस पे लिख देते हैं जो भी इसे पढ़े मिर्जा जन्मदिन को इतला कर दे कि अपने दामाद के लिए कफन दफन का बंदोबस्त कर। बोल दिल डरपोक की डर चल रही होगा। ऐसा मत करो, तुम दुनिया इश्क के रुस्तम हो और मैं सुहरा और मिर्जा चरण वो इश्क का बुढ़ा शेर। अब तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए मल्हार, मैंने तुम्हारे लिए सरदार की लाश को ठिकाने लगाया, तुम्हें पुलिस की नजरों से बचाया हुआ है। तुम्हारी वजह से गुलरुख मुझे छोड़कर चली गई। तुम झूठ बोलते हो, गुलरुख तुम्हें इसलिए छोड़कर गई है कि तुम धोखेबाज हो। पहले तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की और अब मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए इस कमरे में कैद कर रखा है। वो कुछ भी हो आज तुम्हें मेरी बाहों में आना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मल्हार। छोड़ दो। अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे सीने से लग जाओ डार्लिंग। कौन बचाने के लिए आएगा? जेब में क्या है देखो, किराया किराया किराया। चलो चलो, ये हमारा निशान है बहादुरी। चलो चलो। और मैं इस दुनिया में बिल्कुल बेसहारा रह गई। भाभी आपको एक आदमी की जरूरत है ना, तो आपके सबर सलामत। बकवास ना करो यार। देखो मल्हार, मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। भाभी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारे रास्ते में हर आने वाली पट्टी का हम पट्टा बिठा देंगे। लेकिन भाई अल्लाह रखे सोचने वाली ये बात है कि हम नूरुलैन को क्या बताएंगे? फिर मिर्जा चनन हमसे पूछेंगे कि मेरी शकीला कहाँ गई, तुम्हारी मल्हार कहाँ से आई, इसका क्या जवाब देंगे? यार एक तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों से तंग आ गया, तूने बेवकूफ के बच्चे ने एक झूठ की खातर लाखों झूठ बोले और अपने साथ मुझे भी सच्चे से झूठा बना दिया। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अल्लाह रखा नहीं किसी शैतान का बच्चा हूँ। वो तो खैर आप है, मेरा मतलब है भाई अल्लाह रखे इस बात का फैसला तो बाद में करेंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बहरहाल पहले ये सोचें कि ये सू मेरा मतलब है झूठ को सच और सच को झूठ कैसे साबित करें।
मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा ख्याल है मैं इसे बेइज्जत करता हूँ। आप लोग यहीं बैठे, मैं जरा इसे डबल रेट पर धोकर आता हूँ। तुम्हें जल्दी करो धोबी के बच्चे। वो शकील और शकीला कहाँ है? वो हाँ वो अभी अभी दौलतपुर गए हैं। तार आया था उनकी करोड़पति नानी आखिरी दमा पर है। अच्छा, अल्लाह उन्हें सेहत नसीब करे। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ इसलिए कि मरने के बाद सारी ज्यादा शकील और शकीला के नाम लग जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आधी ज्यादा शकीला को मिलेगी? मिलेगी नहीं, मिल गई है। इसलिए वो आखिरी दमा पर थी और वो भी आखिरी दम इंशाल्लाह खत्म हो चुके होंगे। अब तो शकील साहब कफन खरीद रहे होंगे, उन्हें गुसल दे रहे होंगे। सुन ली आपकी अल्लाह ने। अच्छा मेरे तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? उधर को आजा, उधर। मिर्जा साहब, मैं मरहूमा नानी के लिए मरसिया लिख रहा हूँ। सुबह आप उसकी तर्ज बनाएंगे, मैं गाऊंगा, नूर रैन रोएगी। खुदा खुदा। बड़े मुश्किल से पीछे छुड़ाया है इस कन मैलिए से। अबे बाडल बिल्डर के बच्चे, ये तूने क्या बकवास कर दी? बगैर सोचे समझे झूठ बोल देते हो, अब तुम्हारे झूठ हम सच कैसे करेंगे? तो और क्या, मैं सच बता देता कि दो हंसों का जोड़ा मिले गयो रे। अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये तो सुबह उठ के बताएंगे कैसे रहेंगे। अब ये है कि चलो आराम करें, और सोने की वांड ऐसे करते हैं, तुम कुरली में सो जाओ, मैं वेड़े में सो जाता हूँ, भाभी अंदर सो जाएगी। बकवास बंद करो, हम दोनों वेड़े में सोएंगे, भाभी यहाँ सोएगी। किसकी? तुम्हारी। हाँ हाँ ठीक है, वैसे फायदा कोई नहीं। तुम इसकी बातों का बुरा ना मनाया करो, ये तो हमें बस भुड़कता रहने मिर्जा साहब, केस बहुत सीरियस हो चुका, इनके नफसियाती इलाज की जरूरत है। मैंने आपसे पहले भी कहा था। मैंने अपने चंद दोस्तों से इस काम के लिए पहले ही कह रखा है डॉक्टर साहब। ये काम अखबार में इश्तेहार देने से बनेगा मिर्जा साहब। जी बहुत अच्छा, मैं तो अपनी बेगम की बीमारी की वजह से ढीठ बनकर जी रहा हूँ डॉक्टर साहब, वरना बेटे की गुमशुदगी ने तो मुझे भी जिंदा दरकोर कर रखा है। तुम क्या पढ़ रहे हो भैया? आज इतवार है, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि रेस कोर्स में आज घोड़ा कौन सा जीता है। घोड़े का नाम क्या? नाम अल्लाह रखा। तुम ये तरकीब सोचो कि अब हम यहाँ रहेंगे कैसे। अखबार मैं पढ़ता हूँ। मुंह साफ कर लो। भाभी चाय पी? क्या हुआ? जरूरत है एक नौबिहता मियां बीवी की, जो एक बाइज्जत घर में बाइज्जत मुलाजमत करना पसंद करें, माकूल तनख्वाह के अलावा खाने पीने और रिहाइश का आला इंतजाम। हाँ काम बन गया उनका भी और हमारा भी। मल्हार और मैं ये नौकरी जरूर करेंगे, इससे मल्हार भी महफूज रहेगी और तुम भी मियां चन्न दिन की बातों से बचे रहो। बिल्कुल ठीक है, अब आप चलने की तैयारी करें। आप भी जरा अपना ड्रेस चेंज कर ले भैया। आज आप लोगों को मैं सेट कर दूंगा, अगर फुल सेट ना कर सका तो हाफ सेट कर दूंगा, अगर हाफ सेट ना कर सका तो आप सेट कर दूंगा। लेकिन मियां बीवी? भाभी घबराने की कोई जरूरत नहीं, नाश्ता इकट्ठे, बेडरूम अलग अलग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ खैरियत है और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब हूँ। सूरत अहवाल ये है कि आप हैं मिस्टर एआर खान, मिसेस खान, कल रात इनकी शादी हुई है, बड़ी फिरनी है, बड़े कुकड़, बड़े चावल, बड़ी प्लेटें चली हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा नौब्याहता जोड़ा है, बहुत दिनों के बाद लंदन से तशरीफ लाए हैं। इन दोनों की पेरिस में मुलाकात हुई, रोम में रोमांस चला और सेठ साहब ऐसे चला जैसे भंगियों की तोप चलती है। दोनों अलग अलग तालीम हासिल करने के लिए गए थे, अभी तशरीफ लाए हैं और आते ही एक हो गए हैं, और इंशाल्लाह शेर साहब वो दिन दिन दूर नहीं जब एक से दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस मेरा मतलब हो जाएंगे, और जल्द हो जाएंगे। और मकसद ये है कि इस दुनिया में इनका कोई नहीं है मेरे सिवा जिनका भी। मगर आपकी तारीफ मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए कि अल्लाह का दिया और माँ बाप का छोड़ा सब कुछ है।
खुदा की कसम सब कुछ है, अगर दोनों बीवी दिन रात ये कोशिश करें कि तबाह बर्बाद जायदाद को करना है, आग लगानी है, तो 50 साल सही। बखुदा आप यकीन कीजिए कि ये जरूरतमंद नहीं थे, दर्दमंद थे, दर्दमंद थे। शुक्र है खुदा का सेहतमंद थे, इसलिए इस बीमार खातून का पड़कर आपके दर पर चलेगा। शुक्र है खुदा का कि इस दुनिया में अभी आप जैसे लोग बाकी हैं। सेठ साहब, हम लोग बाकी हैं तो दुनिया कायम है। किसी शायर ने मेरे मुतल्लिक ही कहा, अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग बाकी। आप लोग चाय वगैरह पीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। वैसे इन्हें तनख्वाह भी माकूल दी जाए। देखिए ना, जब आपने हमें बेटा और इनको अपनी बहू बना लिया है तो फिर तनख्वाह की क्या लोड़ है। तो फिर आज से आप यूसुफ होंगे और ये आशी। ठीक है, और वैसे भी हमें नाम बदलने का, मकान बदलने का, कपड़े बदलने का, नियत बदलने का बहुत शौक है। ये हमारा मशगला है, शुगल है। आप लोग बड़े दिलचस्प आदमी हैं। ऐसे साहब, बात दरअसल ये है कि दिल के साथ जस्प होना नहायत जरूरी है, जिंदगी का एक हिस्सा है, द पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो व्हाट आई मीन। अब आप मुझसे पूछिए कि मेरी क्या तारीफ है। आपकी क्या तारीफ है बताइए तो सही। जो मुझे कहते हैं एटी खान, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, और इन दोनों का तर्जमान। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आज से मैं इन दोनों को अपने सीने से लगाए रखूंगा। जी क्या आप रखेंगे, वैसे हमें भी दिल में जगह बनानी आती है। क्यों नहीं मिलती, जाओ जाके उसे तलाश करो। याद रखो, अगर तुम लोग मल्हार को तलाश करके नहीं ला सके तो मैं तुम सबको धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम लोगों को हराम की रोटी नहीं खिला सकता, मेरा क्लब पहले ही नुकसान में चल रहा है। चलो जाओ, यू इडियट्स। मेरे बच्चों, तुमने इतने दिन अपनी माँ को क्यों तड़पाया? अम्मी जान, मैंने तो आशीष से कहा था कि बगैर इम्तिहान दिए ही अपनी माँ से मिलने चले जाते हैं, मगर ये मानती नहीं। देखिए ना अम्मी जान, इतनी मेहनत करके इम्तिहान न देना कहाँ की अकलमंदी थी। अब तो तुम दोनों पास हो गया हो ना। हाँ हाँ अम्मी जान, पूरे इंग्लिस्तान में अव्वल आए हैं। कुछ मुझे भी तो बताओ, वो अल्लाह रखा और उसकी अल्लाह रखी मल्हार गए कहाँ? मेरी सेहतमंद नील गाय, ये मत पूछ वो कहाँ गए। अब ये सोच के शकीला तेरे अब्बा को कैसे मिलेगी, वो तो दूसरी शादी करने के लिए बिल्कुल तुला हुआ है। सुबह आधी बोरी वो बसमे की लेकर आया है, 2 एन के स्टेनलेस स्टील की खरीदी है। ओफो, तुमने तो झूठ बोल बोल कर मुझे अजीब उलझन में डाल दिया है। उलझन में ना, मेरी तो तबीयत चाहती तुझे मैं चुल्हे में डाल दूं। क्या मतलब? अरे ओ बेवकूफ, वो प्यार ही नहीं है जिसमें उलझन नहीं है। हाँ, अब तुझे देखना कि तेरे बाप मिर्जा चन्नन की जो लट प्यार में उलझी हुई है, मैं सुलझाता कहता हूँ। हो उलझी लट सुलझा जर बोल। जब से शकीला गई है अब्बा जान कुछ खोए खोए से रहते हैं। शकीला कहाँ गई है? शकीला तो यहाँ मौजूद है। मेरा मतलब है जो झूठ तुमने बोल रखा है। हाँ नूरुलैन, बुरा मत मानना, इस उम्र में जो बीमारी इश्क की तुम्हारे अब्बा को लगी है बहुत बुरी है। वैसे इस उम्र में आदमी औरत की एक आंख से फड़क जाता है, लेकिन तुम्हारा अब्बा इतना बुजदिल है, जब मेरी कलाई पकड़ता है न जाने क्यों थर 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 कांपने शुरू कर देता है। पर आदमिया कौन है? मैंने कहा वो शकील और शकीला कब आएंगी? मेरा ख्याल है जी वो नानी का 40वां घर के आएंगे। तो क्या उनकी नानी मर गई? क्या तार आया है? नहीं जी, दिल गवाही देता।
मन के पपिहारा नाम तेरा ही लूं मैं तो सवरिया। प्यार में तेरे पिया मन के पपिहारा नाम तेरा ही लूं मैं तो सवरिया। जब से तुझसे आँख मिलाई सजना बलवा मैंने दुनिया को छोड़ा तुझसे आपको खुशी दिखाने वाला है मगर मेरा इनाम ना भूलिएगा। इनाम कि तो इसराइल ने तैयारा तबाह कर गया है। इनाम किस बात का इनाम? मैं बेगम साहिबा से कुछ खबरें सुनकर आया हूँ। अच्छा अब और कोई गाना भी सुन के आओ जा। मुबारक हो मियां, लो इस घर में आना कितना नेक शगुन साबित हुआ है। मुबारक जी, किस बात की मुबारक? मियां औरत होते तो झट समझ जाते। हाँ उनसे कितने फायदे हैं। देखो बेटी, अब जरा एहतियात से काम लेना। और हाँ यूसुफ मियां, मैं डॉक्टर से तुम्हें कुछ जरूरी दवाएं ला कर दूंगा। जी मैं जी मेरा तो नहीं मतलाया जी, जी तो इनका मतलाया है। अरे बुद्धू, तेरे लिए बहू के लिए बहू। और हाँ अब मेरी बेटी का खास ख्याल रखना, कोई ऐसी बात ना करना जिससे उसका दिल दुखे। जी बात तो मैं अच्छी करता हूँ जी, मैं फिलहाल मैं बातें उनसे गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा बेगम ये बताओ कि मुन्ना होगा या मुन्नी? क्यों बहू, तुम्हारा क्या ख्याल है?
शर्मा गई मेरी बहू। यूसुफ बेटे तुम बताओ, तुम्हें मुन्नी पसंद है या मुन्ना? फिलहाल तो मैं खुद मुन्ना हूँ जी। अरे मेरा मुन्ना है। ये लो बहू, जाफरान मिला हुआ दूध है, सोने से पहले पी लेना, इन दिनों में जरूरी होता है। मैं क्या करूं इसका? इसका मैं भी बताता हूं। अरे ये क्या किया तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा जिस्म पर जाफरान का बूटा ही उगाएगा और क्या होगा। तो ये बात है तुम्हें। ए भाऊ, तुम्हें कितनी बार समझाया के बदला उठाया करो, चलो चलकर आराम करो, मैं लेकर आती हूँ गुलदस्ता। इसे गधों की तरह सामान उठाने का बड़ा शौक है। आओ भाई, मिस्टर एडी खान कैसे हो? वालेकुम सलाम। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अबे ओ तोता चशम, बासी बग्गू गोशे, यानी यहाँ आते ही मियां बीवी मुझे भूल के याद तक नहीं किया। अरे भाई ये बात नहीं, आजकल जरा अपने दोस्त को खुशखबरी तो सुनाओ। जी इस चकचुंदर को क्या खुशखबरी सुनानी है, जब चांद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। तो क्या कोई नया चांद चढ़ाया है? हाँ हाँ, ये बाप बनने वाला है। बाप किसका? तुम्हारा नहीं, अपने बच्चे का। और मैं दादा। वैसे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बात है बेटे, इतनी अच्छी खबर सुनकर ये नाराज क्यों हो गया? वैसे ही कमे का बच्चा टपोसिया माता फिर रहा है। ये दरअसल इसलिए नाराज हुआ कि मैंने इसको इतना नाम क्यों नहीं दिया। अच्छा, मैं भी जाकर इसे मना लेता। अच्छा, मेरा अच्छा, दोस्त खबरदार कोशिश की, तुम जैसे जलील आदमी के साथ बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। क्यों, मैंने गुनाह क्या किया? निकाह से पहले बच्चा पैदा होना तुम्हारी नजर में गुनाह नहीं है? अच्छा ये बात, आखिर बन गया ना बेवकूफ। क्या मतलब? कान इधर कर। ईमान से? हाँ। मेरे भाई अल्लाह रखे, मैं सोचा था कि मेरा भाई इतना जलील नहीं हो सकता। अगर तुमने ऐसी हरकत की होती, खुदा की कसम मैंने जूते प्यों प्यों के तुमको मारने थे, तुम्हारे मुंह के चीप निकाल देने थे। लेकिन अब मैं बराबर खुश ईमान से। अब मेरे साथ चलो, वो मिर्जा के इसका वो ड्रामा तो खत्म कर। हाँ करो क्या बात। समझाओ नानी मर गई तो क्या हुआ? नानी तो सबकी एक दिन मर जा रहा है उनको। मिर्जा साहब, शकीला। शकीला? शकीला को क्या हुआ? वो भी बेचारी बस के हाथ से मैं कुचली गई है और जख्मों की ताब ला ला कर रास्ते ही में दम तोड़ गई। शकील भाई इधर तो देखो, मिर्जा साहब ने भी आखिरी सफर का स्टार्ट ले लिया। तेरी साहेबा मर गई, हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई, तुझ पे कुर्बान वो जिंदगी कर गई, तुझ पे कुर्बान वो जिंदगी कर गई, हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई, हाय मिर्जा हाय हाय मिर्जा मिर्जा। उसके हाथों में मेहंदी रची हुई नजी, मांग में उसके अफशां सजी भी न थी। हाय हाय हाय, हाथों में मेहंदी रची भी न थी, मांग में उसके अफशां सजी भी न थी, बिन ब्याही दुल्हन हाय क्यों मर
गई बिन ब्याही दुल्हन हाय क्यों मर गई हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई हाय मिर्जा हाय हाय मिर्जा हाय मिर्जा कटेगा बुढ़ापा तेरा हमसे देखा न जाए रंडापा तेरा है मिर्जा मरते दम तक तेरा ही नाम था उसकी जबान पर किस तरह से कटेगा बुढ़ापा तेरा हमसे देखा न जाए रंडापा तेरा जिंदगी तेरी वीरान वो कर गई जिंदगी तेरी वीरान वो कर गई हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई हाय मिर्जा हाय हाय मिर्जा हाय हाय मिर्जा मरने थी पास दौलत बहुत पर यतीमों से थी उसको चाहत बहुत हाय मिर्जा मरने वाली के थी पास दौलत बहुत पर यतीमों से थी उसको चाहत बहुत उनके ही नाम दौलत वो सब कर गई उनके ही नाम दौलत वो सब कर गई हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई हाय मिर्जा हाय हाय मिर्जा हाय मिर्जा मौत का तीर ऐसे जिगर में लगा डोला उठना था लेकिन जनाजा उठा हाय मर के भी कितनी खूबसूरत लग रही थी क्लियोपेट्रा मौत का तीर ऐसे जिगर में लगा डोला उठना था लेकिन जनाजा उठा उसको ढूंढे कहाँ हाय किस घर गई उसको ढूंढे कहाँ हाय किस घर गई हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई तुझ पे कुर्बान वो जिंदगी कर गई तुझ पे कुर्बान वो जिंदगी कर गई हाय मिर्जा तेरी साहेबा मर गई हाय मिर्जा साहेबा मर गई हाय हाय मिर्जा साहेबा मर गई साहेबा मर गई मिर्जा हाय कितनी प्यारी थी हाय मिर्जा अरे रोवे मिर्जा से हराम कौन खाएगा इस मोहल्ले में एक सूदखोर का खात्मा हो गया कुछ नहीं नूरुलैंड तेरे अब्बा को कुछ नहीं हुआ तू यतीम हो गई है नूरुलैंड अच्छे भले पैसे गिनते गिनते चल बसे पहले एक से लेके नौ तक गिनते रहे फिर नौ से लेके दो से लेके जब ग्यारह तक गिनना शुरू किया तो नौ दो ग्यारह हो गया मेरे सौर अब लोगों पर जुल्म कौन करेगा अब इन क्वार्टरों का वाली वारिस कौन होगा इनका हिस्सा किस किस को मिलेगा सबर करो भैया सारी चीजों का मैं वारिस हूँ मेला भी तो है जब तुम्हारा सौरा मरेगा तुम्हें भी मिलेगा ये मेरा हिस्सा है बकवास बंद कर ये लड़ाई का टाइम नहीं है तू कब
कफन दफन का बंदोबस्त करो, मेरा सौरा भूस ना जाए। दवाई नहीं ला सकते तो मुझे थोड़ा सा जहर ही ला दो, पर इस अजाब से सजा तो पाऊंगा। इसीलिए तो कहता हूं कि इस मुख्तारनामे पर दस्तखत कर दो, ताकि मैं इकबाल मिर्जा के पास रखी हुई रहन जमीन का सौदा कर सकूं। फिर तुम्हारे लिए दवाई भी आ जाएगी और मेरे क्लब के लिए रकम भी मुहैया हो जाएगी। आजकल रकम ना होने की वजह से मेरा क्लब खासे खसारे में जा रहा है। रामराज, अब हम क्या क्या बेचेगा? तो कैसा बेटा जो जवान होकर कमाने और बनाने की बजाय पाप की जायदाद पूक पूक याशी कर रहा है। तेरा क्या कसूर है? तेरे बाप ने भी तो यही किया था बेटे, तेरे बाप ने भी तो चेंज। अब दस्तखत की जरूरत ही नहीं रही, मैं इकबाल मिर्जा से खुद जाकर बात करूंगा। आदाब अंकल। जीते रहो, मगर हमने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मैं अकबर सेठ मरहूम का बेटा हूं, शौकत। मरहूम? क्या? जी आज उनका सोहम था। इन लिल्लाह व इन इलैहि राजिऊन, अल्लाह उन्हें मगफरत करे। मैं तो बैठो। थैंक यू अंकल। अंकल मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुआ था कि अब्बा मरहूम ने जो जमीन आपके पास रहन रखी थी उसे या तो आप खरीद लें या फिर मैं वो जमीन बेचकर आपको वो रकम अदा कर दूं जो अब्बा मरहूम ने आपसे ली थी, बाकी से अपना कारोबार चलाऊं। यह रहन की मुद्दत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे बाप की तरह नाइंसाफी से काम नहीं लेंगे। हमारा मुंशी चंद दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, तुम 6-7 रोज के बाद आना। वैसे भी हम आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ है, हमारा बेटा और बहू कई साल बाद लंदन से वापस आए हैं। ये तस्वीर हमारे बेटे और बहू की है, मगर क्या तुम इन्हें जानते हो? जी नहीं अंकल। अच्छी जोड़ी है माशाल्लाह। अच्छा अंकल फिर हाजिर हूंगा। अच्छा बेटे, जैसा बाप वैसा बेटा, उसके सयोम के दिन ही उस बेचारी की हड्डियां बेचने चला आया। हाँ तो बरफुल दूर बयान जारी रहे। छोटे मिर्जा जी मुझे किराया जरा हम कर दे, 6 महीने का किराया इकट्ठा दे दूंगा आपको। इकट्ठा? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, ये मत भूलिए कि ये मिर्जा चन्नदीन का दौर नहीं है, ये उनके दौर मिर्जा अल्लादित्ता का दौर है, आवामी दौर है। अरे मियां, अब किसी भी से क्वार्टर खाली नहीं करवाया जाएगा जो वक्त पर किराया नहीं देता। मैं कहता हूँ कोई डिग्री नहीं होगी, कोई नालिश नहीं होगी, कोई सामान नीलाम नहीं किया जाएगा। अबे तू मोहलत चाहता है? हाँ हुजूर। एक हफ्ते की? दो हफ्ते की। याद ये 3 हफ्ते की मोहलत थी? 4 हफ्ते की मोहलत थी। एक बात याद रखना, किराया वक्त पर दो न दो, क्वार्टर को आवाज रखना, क्योंकि हम बेघर अफराद की आबादकारी चाहते हैं, समझे हो? समझ गया हुजूर। आवामी दौर है ये।
जाओ। हुजूर आपको अल्लाह आबाद रखे। क्या बकवास करते हुए इधर रही इधर? आ जाओ आ जाओ नूरुल आयन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 भाभी और भैया। सुनाओ पेंशन क्या हाल है तुम्हारा? बस ठीक ठाक है। दिल जलाने की बात करते हो? की हाल है। सुन खाने की बात करते हो? मुझे ये बताओ इंग्लिश खोते इतने दिनों के बाद यहाँ तशरीफ लाए हो? ठहरो जरा। अरे ओ नूरुल आयन गैन पे काफ नून ये छोटी ये बड़ी ये सब आ गए हैं। चले आओ नूरुल आयन। तुझे कितनी बार रोका है कि आटा गूंदते वक्त हिला मत कर। ये तू आटा गूंद रही है या सबक याद कर रही है? मैं कहता हूँ दीदे उठा कर देख कौन आया है। भैया भाभी आए हैं। अबे और लकी कबूतर तूने इस बेचारे के बाप के मरते ही से डांटना शुरू कर दिया। अरे नहीं भैया अभी वो बीमार थे मैंने इसे डांटना और छिड़कना शुरू कर दिया था। वैसे भी भैया औरत को दबा कर रखना चाहिए और अगर ना दबे वो दब जाओ। भाभी क्या खाते तुम्हारी? अच्छा ग्लोरी बनाते हैं। तेरे की ग्लोरी बना के इसका मतलब है तू मेरी भाभी और भैया को ग्लोरी पे टखा रही? अरे बेवकूफ जा जा के ब्लू लेबल चाय बना रसगुल्ले तैयार कर और बाग में से ताजा फ्रेश सलाद तोड़ के मेरे भाई के लिए ला है। ये तेरे कंजूस बाप का दौर नहीं है। ये दौर कोई और है और काबले गौर है। अल्लाह देते अली तुम्हारा बाप है तुम खजूर में से गिरे थे तो बस इसीलिए कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो। हाँ क्या फिक्र की बात करता है तू भैया। ये 7 नंबर क्वार्टर में खाली करवा रहा हूँ और अपने अब्बा को चौधरी आला बख्श बना के उसमें रखूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ तुम दोनों की शादी। तू तो पीछे हट जा। तुम दोनों की शादी हो जाए तो फिर हम इकट्ठे चले। आप फिक्र ना करें जनाब मैंने तो कई फिल्मों में लेडी डॉक्टर का पार्ट किया है। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे। ये रख लो और भी दूंगा। अब तुम जा सकती हो। गुलरुख कहाँ है? अपने कमरे में बहुत खुश है। अब उसे यकीन हो चुका है बास कि आप उसके सिवा किसी को नहीं चाहते। हम सब ने मिलकर उसे समझा दिया है। जाना करो यूसुफ बेटे तुम समझते क्यों नहीं? मम्मी मैं तो समझता हूँ। आपने तो कहा था कि इसका दिल मत दुखा कर। मैं इसका दिल बहला के लाया हूँ और एक अच्छी सी अंग्रेजी फिल्म दिखा के लाया हूँ। उसमें मार्लन ब्रांडो ने बहुत अच्छा मुजरा किया। कल मैंने इसको 3 बजे का शो पंजाबी फिल्म दिखानी है ये जिसमें ये गाना है पंजाबी फिल्म हुआ क्या नाम है उसका क्या नाम था अत खुदा का वैर उसमें ये गाना बड़ा अच्छा है। जब तुम होली जी मेरा नाम लेते हो खुदा की कसम मैं वहीं पर फौत हो जाती हूँ। उसके बाद इसने कहीं आने जाने का काबिल ही नहीं रहना। अब अपनी बक बक बंद कर। चलो बेटी मेरे साथ मैं तुम्हें वो दवाइयाँ देती हूँ जो तुम्हारे अब्बा लेकर आए। बस दवाइयाँ खाओ जल्दी। सुनिए फरमाइए क्या बात? जी मुझे मल्हार से मिलना है। आप मल्हार को कैसे जानती हैं? मैं तो उसे मुद्दत से जानती हूँ जी। वो मेरी पेशेंट रही है। क्या कह रही हैं आप? उसे तो कोई बीमारी नहीं। बीमारी नहीं उसे। खैर आप कौन हैं? जी मैं तो... मैं समझ गई। आजकल उसकी दोस्ती आपके साथ है। दरअसल बात यह है कि जब वो क्लब में डांसर थी तो उसके बहुत से दोस्त थे और आप तो जानते हैं ऐसी दोस्तियां कोई ना कोई गुल जरूर खिलाती हैं। और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ऐसी लड़कियां फिर हमारा सहारा लेती हैं। मैं लेडी हेल्थ विजिटर हूँ। मल्हार के 2 केस पहले भी कर चुकी हूँ लेकिन उसने मेरा बिल अभी तक अदा नहीं किया। ये आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? आपको गलतफहमी हुई है। मल्हार तो ऐसी लड़की नहीं। देखिए साहब मुझे उसे मिला दीजिए। मुझसे गलती हुई जो आपसे बात की। अच्छा आप चले जाइए मैं मल्हार को आपका बिल देकर भेज दूंगा। आप पर एतमाद करके चली जाती हूँ। इससे पहले भी उसके दोस्तों ने वादे किए थे लेकिन आज तक किसी ने कोई वादा नहीं निभाया। मैं समझ गई आजकल उसकी दोस्ती आपके साथ है और आप तो जानते ही हैं ऐसी दोस्तियां कोई ना कोई गुल जरूर खिलाती है। तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखें सुरख हो रही हैं। क्या हुआ तुम्हें? मुझे एक जहरीली नागन ने डस लिया है। उसका जहर मेरी रग रग में फैल गया है। नागन ने डस लिया है? कहाँ? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर नागन।
तेरी शराफत का पर्दा चाक हो चुका है। अब तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। आज पता चल गया है कि तुझ जैसी आवारा लड़कियों की पनाहगाह किसी शरीफ आदमी का घर नहीं। तेरा ठिकाना वही बदनाम क्लब, शहर की गलियों और बाजार। ये तुम क्या कह रहे हो? खामोश। मुझे तेरी करतूतों की सारी रिपोर्ट मिल चुकी है और ये भी मालूम हो गया है कि तूने क्लब के दोस्तों की गंदगी किस ढेर पर फेंकी है और यहाँ का तेरा जी क्यों मतलाने लगा है। जहरीली नागन, तू अपने दोस्तों से दाई की फीस भी नहीं दिलवा सकी। तेरे गुनाहों को छुपाने वाली दाई आज यहाँ मेरे पास आई थी। खुदा का शुक्र है कि उस वक्त उसकी बात मेरे सिवा यहाँ किसी ने नहीं सुनी, वरना वो नेक दिल औरत जो तुझ जैसी दलील को अपनी बहू और मुझे अपना बेटा समझती है, ये बात सुनते ही सदमे से मर जाती। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं किसी दाई को नहीं जानती। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे सिवा कभी किसी को आँख भर के नहीं देखा। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ मत बोल। कान खोल कर सुन ले। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तेरे लिए मर गया हूँ, तुम मेरे लिए मर। नहीं। मैं कहता हूँ मैं तुझे यहाँ देखना नहीं चाहता। निकल। खुदा के लिए दरवाजा तो खोलो, मेरी बात तो सुनो। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। तेरे गुनाहों को छुपाने वाली दाई आज यहाँ मेरे पास आई थी। खुदा का शुक्र है कि उस वक्त उसकी बात मेरे सिवा यहाँ किसी ने नहीं सुनी। मुझे तेरी करतूतों की सारी रिपोर्ट मिल चुकी है और ये भी मालूम हो गया है कि तूने क्लब के दोस्तों की गंदगी किस ढेर पर फेंकी है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये देखो बॉस, नकदी और जेवरात, इसके अलावा सेफ में कुछ ना था। जाओ फिर, मेरा मुंह क्या तक रहो। मल्हार मुझे हर कीमत पर मिलनी चाहिए। दबा जाओ। आओ आओ जाने मन, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने जेवरात बनाए हुए हैं। ये सब मेरे लिए बनवाए हैं? हाँ हाँ डार्लिंग, ये सब तुम्हारे लिए। ले जाओ, सब ले जाओ, ले जाओ। कहाँ चले यूसुफ बेटे? और वो आशी कहाँ है? तुम्हारी अम्मी सुबह से कई बार पूछ चुकी है। जी वो शायद कहीं बाहर गई है, उसी को बुलाने जा रहा हूँ। इसे रोकिए मिर्जा साहब। ये अपनी बीवी को बुलाने नहीं जा रहा बल्कि यहाँ से भाग रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मिर्जा साहब, आपके मेरे बाप पर बहुत एहसानात हैं, इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको हकीकत से आगाह करूँ। ये शख्स जिसे आपने अपना बेटा बना रखा है बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपकी नामनिहाद बहू पहले एक बंजारन थी जो गलियों और बाजारों में नाचा करती थी, फिर इसकी साथी बन गई। इन दोनों का काम शरीफ घरों को लूटना है। पहले आप अपना घर संभालिए मिर्जा साहब, और ये देखिए कि इसकी जाली बीवी क्या कुछ ले गई और क्या कुछ बच गया है। ये दोनों इससे पहले भी कई घरों को लूट चुके हैं। जलील कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जलील कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। कमीने जलील, मैं तो समझता था कि तुम्हारी रगों में किसी शरीफ बाप का खून होगा, लेकिन तुम्हारा खून इतना गंदा है। बदनसीब, तुम्हारा जर्फ इतना छोटा है कि चंद हजार रुपए और चंद तोले सोने के लिए तुमने अपनी नीयत खराब कर ली। मैं तो अपनी बीवी की सेहत और खुशी के लिए अपनी सारी जायदाद तुम दोनों को सौंपने वाला था। खुदारा ठंड दिल से मेरी बात तो सुनिए। खबरदार, तुम्हारी खैरियत इसी लेकर यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें पुलिस के हवाले करके मैं अपनी बीवी का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता, इससे पहले कि वो मां आकर तुम्हारे मुंह पर थूके जो कल तक तुम्हारा माथा चूमती थी। यहां से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं बेटे, तुमने इस घर को बहुत बड़ी आफत से बचा लिया। एक दो दिन में हमारा मुंशी आएगा, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। जी मैं आप ही पे डिपेंड करता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आइए भाई सर, आप तो हमें भूल ही गए। अलग तो कौन? वो तो आपको मिलने गए हैं। आइए ना बैठिए। सेठ साहब, मेरे साहब आप मुहज़्ज़बाना शरीफाना गुफ्तगू कीजिए। मैं कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसे मिलिए जैसे सेठ सेठों से मिलते हैं। मेरे साथ वो सलूक कीजिए जो सिकंदर ने बोरस के साथ किया था। मैं तो अपने दोस्त से मिलने यहाँ आया था। जानते हो, उसकी बीवी हमारे घर से चोरी करके भाग गई और हमने उस कमीने को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये गलत है, इल्जाम है, तोहमत है, बहतान है। मेरा दोस्त और उसकी बीवी ऐसा नहीं कर सकते। अगर सेठ साहब उन्होंने आपका नुकसान किया तो वो नुकसान मैं पूरा कर सकता हूँ। ये लीजिए कार्ड, मैं उनकी तलाश करूंगा और अगर आपको मुझे मिलना हो तो इस पते पे मिल लीजिएगा। चवन्नी चवन्नी तस्वीर मिर्जा जी के कपड़ों से क्यों निकली? ये तस्वीर तो अल्लाह रखे के लॉकेट में भी थी। बच्चों से क्या रिश्ता है मिर्जा साहब का? मैं अभी जाकर पता करता हूँ। अजी मैंने कहा सुनते हो ना, यूसुफ अपने कमरे में है ना आशी। आजी दोनों के दोनों कहाँ चले गए? देखो वो दोनों कराची गए हैं जरा घूमने, बस चंद रोज में आ जाएंगे। कराची गया है मुझसे पूछे बगैर ही, और फिर जबकि बहू का पांव भारी है। हाँ बेगम, वो किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर आए थे, उसी ने मशवरा दिया है कि इन दिनों में जरा सैर करो, खेलो, हंसो। तुमसे इसलिए पूछकर नहीं गए कि तुम उन्हें एक पल के लिए भी आंखों से ओझल होने नहीं देती। कमाल है, बगैर मेरे बताए चले गए। कब आने को कह गए? मुश्किल से जान बचा कर आए बॉस। उस दिनों तबाह हो जाओ, निकल जाओ, गेट आउट। काम नहीं कर सकते। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे भैया ने भी मुझे झूठी और बेवफा समझा। बड़ा सज्जा बना फिरता है। आले ने तो आज मैं से सच और झूठ की पहचान करवा दूंगा। रुलेन कहाँ गया है? पता नहीं, आपका पूछकर फौरन ही चले गए थे। अभी आ जाएगा। शौकत, तुमने हम पर जो एहसान किया है उसके पेश नजर हमने फैसला किया है कि तुम्हारे बाप को दी हुई रकम माफ कर दें और तुम्हारी जमीन भी रहन से आजाद कर दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अगर हमारी बेगम ने उस फ्रॉड लड़के को न देखा होता तो हम तुम्हें भी अपना बेटा बना लेते। सरकारी, ये तस्वीर आपके कपड़ों से मिली है? ये हमारे नन्हे यूसुफ और आशी की तस्वीर है। और ये लॉकेट? ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला अल्लाह बख्श? ये तो हमारे नन्हे बेटे यूसुफ के गले में था। वो कहां है, जल्दी से बताओ। मैंने कई साल पहले एक बच्चा झाड़ियों में जख्मी हालत में पड़ा पाया था, ये लॉकेट उसी के गले में था। लंबी बात मत करो अल्लाह बख्श, अब वो कहां है? अब तो वो जवान हो चुका है सरकार, उसका नाम मैंने अल्लाह रखा रख दिया था। अल्लाह रखा जी? कहां है मेरा बेटा? अल्लाह बख्श मुझे जल्दी से उससे मिला दो ना। वो मेरे बेटे अल्लाह दत्ता के साथ कई महीने हुए घर से कारोबार के लिए। अरे
सरकार, ये देखिए, यही तो मेरा बेटा अल्लाह रखा है। क्या कहा? यही अल्लाह रखा है? तो क्या यही मेरा बेटा यूसुफ है? हमने घर आए हुए बेटे को घर से निकाल दिया। यूसुफ बेटे, शौकत बेटे, मेरे बेटे को जल्दी से तलाश करो, जल्दी से। जी जरूर तलाश करूंगा। अल्लाह देते, तूने गुनाहों के स्पोर्ट में कुछ घर में क्यों रखा है? यहाँ तो मेरी शरीफ भाभी रहती है। ये जहरीली नागल है, धोखेबाज है, मकार है, चूड़ी है। इस मासूम लड़की पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक। लेकिन तू क्या झांकेगा, तुझे नजर ही क्या आएगा? गलत फहमी की पट्टी तेरी आंखों पर बंधी हुई है। झूठ और सच की तुझे पहचान ही नहीं है। आज दुश्मनों की बातों में आकर तूने इस लड़की पर बहुत जुल्म किया है। दिल चाहता है मैं तुझे जान से मार डालूं। लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूँ अल्लाह देते, कि उस दाई को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ओ अकल के अंधे, झूठ बोलने की जरूरत उस दाई को नहीं थी, बल्कि उस दलील कमीने शौकत को थी, जिसकी हमने क्लब में पिटाई की थी। आज उसने अपने आदमी इसके पीछे भेजे और मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर इसकी इज्जत बचाई है। आराम से बैठकर मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। अभी मेरी कमान में आखिरी तीर बाकी है, जो ठीक निशाने पर बैठेगा। अगर वो बंजारन मेरी नहीं बन सकती, किसी की नहीं बन सकती। मल्हार, सच सच बता, अब तूने मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया? मैं तो आपकी कमीज हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। भैया, अब हमें फौरन अब्बा जान के पास जाना चाहिए। कौन है? अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। बेटे, अल्लाह बेटे। अब्बू। हाँ बेटे। पापा। हाँ बच्चे। यूसुफ, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम मेरे हकीकी बेटे हो। मुझे माफ कर दो बेटे, बचपन में हमसे बिछड़ गए थे बेटे। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ मिर्जा साहब? मेरा तो खून गंदा है। जो हमने उस वक्त कहा था उसे भूल जाओ बेटे, जो इस वक्त कह रहे हैं उसे मान लो। अगर ये तस्वीर और ये लॉकेट अल्लाह बख्श तक न पहुंचता तो तुम हमें कैसे मिलते बेटे, हमें कैसे मिलते? अब्बा यूसुफ, ये लॉकेट, मगर ये लॉकेट तुम तक कैसे पहुंचा? ये तो बचपन ही से मेरे गले में है। तो तुम आशी हो, मेरी बहू। या अल्लाह, तूने आज जिंदगी के सारे गम एक खुशी से मिटा दिए। लेकिन ये खुशी आरजी है मिर्जा साहब। ये लड़की जिसे आप अपनी बहू समझ रहे हैं, आपकी चोरी नहीं बल्कि सरदार मंगू की कातला भी है। लेकिन तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? सबूत मेरे पास है, चोरी का भी और कत्ल का भी। ये है वो जेवरात मिर्जा साहब जो आपके मकान से चोरी हुए थे, और ये है सरदार मंगो के असल कातिल की तस्वीर जो मौके पर मैंने खींची थी। लड़के, तुम कौन हो और ये सब कुछ कहां से मिला? मल्हार से पहले मैं इस वैशी दरिंदे के जुल्म का शिकार हो चुकी हूँ थानेदार साहब, और ये तस्वीर मैंने उस वक्त खींची थी जब ये मंगू सरदार का कत्ल कर रहा था, और मल्हार को चोर बनाने के लिए ये जेवर इसने खुद चोरी कराए हैं, और इसने एक जाली दाई के जरिए मल्हार पर एक गंदा इल्जाम भी लगाया था। तुम मेरे साथ चलो, और तुम भी चलो लड़के, सेठ साहब आपकी भी जरूरत पड़ेगी। देखा, हमेशा सच की पता होती है भाई। वो तुम्हारा कार्ड खूब काम आया। आपने तो फेंक दिया था। लेकिन वो हमारे चौकीदार ने तो उठाकर रख लिया था। तो आपसे अच्छा फिर चौकीदार, मेरा मतलब उसने अच्छा। खैर, ये तो सब कुछ हो गया, मगर ये बतावे अल्लाह देते, तूने इतने दिन मुझे तड़पाया, तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। थोड़ा साथ लेके आए। हाँ भैया, क्यों भी अल्लाह रखे, तू भी बता, तेरी तो मैं अभी खबर लेता हूँ।
जी मैं तो यहाँ खैरियत से हूँ, बस आपकी खैरियत खुदा ने करी। उसने एक बार तुम दोनों की खैरियत मैं अभी इकट्ठी कर देता हूँ। और अब्बा जान सूरत सवाल ये है कि वो आपकी नूह है जो हो चुकी है और ये होने वाली है इसकी वाली है। मैं कहता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो, 10 क्वार्टर तुम्हारे नाम लग गए हैं। अब कपड़ों पे नंबर लगाने के बजाय क्वार्टरों पे नंबर लगाओ और नंबरदारी करो और ये कपड़ा उतार दो, ऐसे लगता है जैसे आटा छान के। अबे इस्तरी करते करते आया हूँ, मगर ये तो बताओ कि तुम दोनों ने अगर मेरे बगैर पूछे ये काम कर लिया तो क्या आपने हमसे पूछ के अपनी शादी की? हाँ मैंने नहीं मगर क्या मतलब है? मुझे होश नहीं है तन मन का, मुझे होश नहीं है तन मन का, तूने तीर नजर का वो मारा है। तेरे प्यार में होके दीवाना, इन रात बजाऊं एक तारा है।